Hello students, today we are going to talk about development during early school years, that is about 6 to 11 years, and this we are covering under lifespan psychology. So we are going to cover this in four parts. The four parts are right in front of your screens. So we will start with the first part, and the first part is physical development. So you can see on the screen, this is the normal pattern of development of boys and girls between the age of 6 and 12 years. So if you see, there is not much of difference between boys and girls in this age group, almost same. And the average development of boys and girls in this age group in height is 2 to 2.5 inches per year, 2 se 2.5 inch per year, and as far as weight is concerned, it is about 3 to 5 pounds per year. Pounds bola maine, kg nahi, 3 to 5 pounds per year. So jo height aur weight pe kuch cheezon ka asar padta hai, jaise family mein kya, hereditary, anuvanshik jo जीन्स मिले हुए हैं, गुणसूत्र है उसका, एनवायरनमेंट, वातावरण कैसा है. प्यूबर्टी बच्चा किस एज में अटेन करेगा, इसका इसके ऊपर जो है न्यूट्रिशन का बड़ा रोल होता है. अगर खान पीने को अच्छा मिला है तो बच्चा प्यूबर्टी जल्दी अटेन कर लेगा, और वही अगर अच्छा नहीं मिला है तो प्यूबर्टी लेट अटेन करेगा. इमोशनल डिस्टर्बेंस भी अगर बच्चे को हुए हैं तो उसकी वजह से जो है एड्रीनल स्टेरॉयड का ओवर प्रोडक्शन होगा. तो जो एड्रीनल स्टेरॉयड अगर ज़्यादा बनेगा तो वो पिट्यूटरी जो प्रोडक्शन है, ग्रोथ हार्मोन जो है पिट्यूटरी, उसको जो है कम कर देगा. उसकी वजह से भी जो है हाइट और वेट कम बढ़ेगा. फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका भी असर पड़ता है. अच्छी है तो हाइट और वेट अच्छा होगा, खराब है तो खराब होगा. हेल्थ, अगर बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हुई है या लंबे समय तक बीमार रहा है तो भी हाइट और वेट पे खराब असर पड़ेगा. एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ग्लैंड का मतलब ग्रंथि, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है अगर ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है तो भी जो है असर पड़ेगा. अंडर एक्टिव है तो बच्चा जो है नाटे गद का होगा, उसे इंग्लिश में ड्वार्फिज्म कहते हैं, और ओवर एक्टिव है तो बहुत लंबा चौड़ा भी हो सकता है, जरूरत से ज़्यादा, उसे इंग्लिश में जायजेंटिज्म कहते हैं. तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है इस एज में लड़के और लड़कियों में, लेकिन लड़कियाँ इस एज में लड़कों से थोड़ी सी हैवी होती हैं. इस एज में जो है मोटर डेवलपमेंट हो रहे होते हैं. सो मोटर डेवलपमेंट जो है दो तरह के हो रहे हैं, ग्रॉस एंड फाइन. तो ग्रॉस जो मोटर स्किल्स है उसमें जो हमारी बॉडी की जो बिगर मसल्स हैं, बड़ी मसल्स हैं, वो यूज़ हो रही होती हैं. तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें सीखता है ग्रॉस मोटर स्किल्स में, जैसे वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, किकिंग, पावर कितनी है, स्पीड कितनी है, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी, बैलेंस, ये सब ग्रॉस मोटर स्किल्स में आता है. और फाइन मोटर स्किल्स में जो बारीक काम है वो आते हैं, जैसे राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, टर्निंग द पेज, सुई से सिलाई करना, ये सब जो है फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं. तो पहले जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं और फाइन मोटर स्किल्स बाद में डेवलप होती हैं. अगर बच्चे का डेवलपमेंट ग्रॉस मोटर स्किल्स का देखना हो तो हम इन चीज़ों से बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं, जैसे रनिंग है, जंपिंग है, सीक्वेंसिंग फुट मूवमेंट. सीक्वेंसिंग फुट मूवमेंट का मतलब एक किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में पैरों से चलना, जैसे लेफ्ट पैर से पहले 2 बार जो है कूदना है, फिर जो है 3 बार राइट से कूदना है, फिर लेफ्ट से 3 बार, फिर राइट से 2 बार, ऐसे किस कोई भी सीक्वेंस हो सकता है. तो ये जो है सीक्वेंसिंग फुट मूवमेंट भी बताता है कि उसका ग्रॉस मोटर स्किल कैसा है. बैलेंस, थ्रो, फेंकना, कैच करना, ये सब जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट का हमको बताता है. और बच्चों को जो है 4.5-5 साल की एज से पहले जो है लिखने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी उनकी जो है फाइन मोटर स्किल्स जो है वो डेवलप नहीं हुई है. और अगर उनको ज़बरदस्ती लिखने को बोला जाएगा तो फाइन मोटर्स जो हैं
से रिलेटेड जो मसल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, और वो डैमेज परमानेंट भी हो सकता है। तो इसलिए जो है, द चिल्ड्रन शुड नॉट बी फोर्स टू राइड बिफोर द एज ऑफ 4.5 to 5 ईयर्स। रिएक्शन टाइम उनका जो है इम्प्रूव होता है, यानी कि प्रतिक्रिया, बॉल फेंकी और आपने जो है कितनी तेज़ी से हाथ ऊपर लाया कैच करने के लिए, तो ये रिएक्शन टाइम इम्प्रूव होता है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो रहा होता है। हैंडेडनेस इज वेल एस्टेब्लिश, यानी कि इस एज तक आते आते बच्चे राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड है ये एस्टेब्लिश हो चुका होता है। और लेफ्ट राइट का जो डिस्क्रिमिनेशन बच्चे को लेफ्ट राइट का अंतर समझ में आ रहा होता है। तो दो तरह के इस दौरान जो है फिजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, एक हाइपर एक्टिविटी से रिलेटेड हो सकता है, दूसरा हाइपो एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी में जो डिसऑर्डर होता है उसको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, शॉर्ट में इसको ADHD भी कहते हैं। बच्चा ज़रूर ज़्यादा एक्टिव होता है, वो जो है चैन से एक जगह बैठ नहीं सकता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेगा, जब मर्जी भूलने लग जाएगा, इस टाइप की चीज़ें आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। और हाइपो एक्टिव में इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है, बच्चा बहुत ज़रूर से ज़्यादा शांत होता है, जो बोलो बस उतना कर देगा, बाकी चुपचाप बैठा रहेगा। तो बच्चा अगर हाइपो एक्टिव है तो डिटेक्ट होने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सब सोचते हैं बड़ा डिसिप्लिन है, चुपचाप बैठता है, जो बोलो वो कर देता है, लेकिन वो हाइपो एक्टिव हो सकता है। तो दूसरा है कॉग्निटिव सोशल इमोशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो 5 to 7 ईयर्स शिफ्ट कहते हैं, मतलब 5 to 7 ईयर्स की एज में बहुत तेज़ी से बच्चे में चेंजेस आते हैं। तो इस दौरान जो है बच्चा प्री ऑपरेशनल जो थॉट होता है उसकी जगह कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ रहा था। जो पियाजे की थ्योरी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई थी, आप अगर देखेंगे लाइफ स्पैन डेवलपमेंट का मेरा जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में शिफ्ट होता है फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 7, कभी भी हो सकता है, कुछ जल्दी हो सकता है, कुछ लेट भी हो सकते हैं, तो इसलिए इसको 5 to 7 शिफ्ट कहते हैं। सो मिडिल एजेस में, मतलब मध्यकालीन युग में, बच्चे को एडल्ट का स्टेटस जो है 7 ईयर्स की एज पे दे दिया जाता था, इसीलिए क्योंकि वो कहते थे कि अभी समझदार हो गया बच्चा, अगर कोई गलती करेगा इसको वही सज़ा मिलेगी जो एडल्ट को मिलेगी। सो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं उसके ऊपर बच्चा जो है केवल फोकस करके डिसीजन ले पाता है या समझ पाता है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं समझ पा रहा होता। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त, कॉन्क्रीट मतलब जो आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो सब कॉन्क्रीट हो गए। और जो आप सिर्फ महसूस करते हैं, आप ना देख सकते हैं, ना दिखा सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट हो गए। तो कॉन्क्रीट चीज़ों से रिलेटेड उसकी थिंकिंग जो है वो लिमिटेड होती है वहीं तक, एब्स्ट्रैक्ट वो उसको चीज़ें बहुत मामूली सी समझ में आ रही होती, ना के बराबर समझ में आ रही होती। मैथमेटिकल ऑपरेशन उसको समझ में आ रहे होते हैं। ऑपरेशंस का मतलब होता है कोई भी सेट ऑफ रूल्स जो इन्फॉर्मेशन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। जैसे आपके फादर की गाड़ी कैसी आपको पता है, आप स्कूल से, कॉलेज से, घर से, घर पे आए तो आपने देखा आपके फादर की गाड़ी खड़ी हुई है, तो आपने गाड़ी देखी और ये डिसीजन ले लिया कि हाँ फादर घर आ गए हैं। तो ऐसे कॉन्क्रीट चीज़ों को वो देख के समझ सकता है, एब्स्ट्रैक्ट को नहीं समझता। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब उसको समझ में आने लग जाता है। इस तक आते हैं कैटेगरीज कि भाई ये कैटेगरी जो है कौन सी है, इस कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें आएंगी। जैसे दो सेट ऑफ बॉल्स उसको दे दी जाए, एक ब्लैक है बॉल्स, दूसरी रेड है, तो उसको ये समझ में आ जाएगा हाँ एक कैटेगरी रेड की है, दूसरी ब्लैक की है। तो जो ब्लैक वाली बॉल्स हैं वो रेड वाली कैटेगरी में नहीं आ सकती हैं, जो रेड वाली जो बॉल हैं वो ब्लैक की कैटेगरी में नहीं आ सकती हैं। ये ऐसे क्लास इंक्लूजन एक्सक्लूजन समझ में आता है। सीरिएशन भी उसको समझ में आने लगता है। सीरिएशन का मतलब चीज़ों को सीक्वेंस में लगाना, जैसे बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। कई सारी स्टिक्स दे दी, वो जो है डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की हैं, तो स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट स्टिक लगा लेगा वो, या बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट कैसे भी लगा लेगा, ये उसको समझ में आने लग जाता है। फिर डिसेंट्रेशन भी होने लगे। डिसेंट्रेशन मतलब एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में एट ए टाइम सोच सकता है। जैसे उसको एक फ़ोटो दिखाया जाए जिसमें कि टोटल 7 लोग हैं,
देयर आर 7 पीपल, 2 एडल्ट्स एंड 5 चिल्ड्रन। तो उससे अगर पूछा जाए कि आर देयर मोर पीपल और मोर चिल्ड्रन, तो अगर छोटा बच्चा होगा जो अभी कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में नहीं आया, अभी प्री ऑपरेशन स्टेज में, तो वो बोलेगा कि देर आर मोर चिल्ड्रन। तो उसको ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आएगा कि एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों ही पीपल की कैटेगरी में आते हैं, तो देर आर मोर पीपल देन चिल्ड्रन। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में जो बच्चा आया वो बता देगा कि हाँ देर आर मोर पीपल, उसको ये बात समझ में आ रही होगी। इस दौरान जो है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, एक चीज़ होती है हॉरिजेंटल डिकालेज। डिकाले का मतलब होता है, फ्रेंच वर्ड है, टू डिस्प्लेस। पहले एक चीज़ सीखेगा, एक कॉन्सेप्ट सीखेगा, फिर वो हट जाएगा, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा, फिर तीसरा सीख वर्ड जाएगा, फिर तीसरा आएगा, मतलब एक सीक्वेंस चल रहा होता है। जैसे पहले नंबर के बारे में सीखेगा, नंबर समझ में आ गया तो लेंथ के बारे में सीखेगा, फिर लेंथ समझ में आ गया फिर तीसरी चीज़ सीखेगा, आगे भी हम पढ़ेंगे। तो इस दौरान जो है बच्चों को 3 कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाते हैं, आइडेंटिटी का, रिवर्सिबिलिटी का और रेसिप्रोसिटी का। ये क्या है? आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक कोई भी चीज़ है जिसमें हमने ना कुछ डाला है ना कुछ निकाला है, तो अगर सिर्फ उसका कुछ शेप चेंज हो जाएगा तो मतलब उसका मास चेंज नहीं हुआ है, ना कुछ निकाला है ना डाला है, तो शेप चेंज होने से जो है कुछ भी फर्क नहीं हुआ है अमाउंट में, ये बच्चे को समझ में आने लग जाता है। रिवर्सिबिलिटी मतलब अगर किसी चीज़ को करने से कोई चीज़ हुई है तो रिवर्स करने में भी वो चीज़ हो जाएगी, वापस वैसी हो जाएगी। जैसे पानी को ठंडा किया तो आइस बन गई, और अगर गर्म कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो वो वापस पानी हो जाएगा, ये भी उसको समझ में आने लग जाता है। फिर रेसिप्रोसिटी में यह है कि जैसे आटे का गोला है वो बनाया, तो अगर आप उसको फ्लैट करोगे तो फिर जो है उसके विड्थ, हाइट कम करोगे तो विड्थ बढ़ेगी, पिचकाओगे उसको, तो ये चीज़ उसको समझ में, ये नहीं हो सकता है कि आप उसकी जो है उसको पिचका भी दो और जो उसकी विड्थ भी ना बढ़े, ऐसा नहीं हो सकता है। सो ये रेसिप्रोसिटी भी जो है बच्चे को समझ में आने लग जाती है। अब वो जो हॉरिजॉन्टल डिकालेज की जो मैंने बात की थी वो हम इसमें समझते हैं। तो जो पहले नंबर का उसको कॉन्सेप्ट समझ में आता है सबसे पहले, कि अगर जो प्री ऑपरेशन वाला बच्चा है वो ऊपर और नीचे वाले स्क्रीन पे आप देखें जहाँ मेरा कर्सर है, ऊपर और नीचे वालों को बराबर बता देगा, लेकिन प्री ऑपरेशन वाले को ये जो सेकंड वाली फिगर है इसमें वो ऊपर वाले को ज़्यादा बताएगा, क्योंकि उसको नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो गिन के नहीं बता पाएगा कि ये भी 6 हैं, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी 6 हैं, खाली डिस्टेंस बढ़ गया है। लेकिन जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज वाला बच्चा है वो दोनों को बराबर बताएगा। तो अगर बच्चा इन दोनों को बराबर बता रहा है, मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में उसने नंबर का कॉन्सेप्ट जो है मास्टर कर लिया है। इसी तरह मैटर का है, नेक्स्ट आता है जो पहला वाला नंबर का कॉन्सेप्ट 26 और 7 ईयर्स ऑफ एज बच्चा मास्टर कर लेता है, फिर 7 to 8 ईयर्स में वो मैटर का करता है। जो अभी मैंने बताया था आइडेंटिटी वाला, ना कुछ डाला है ना निकाला है, सिर्फ शेप चेंज हुआ है, तो मास मैटर सेम है, ये उसको समझ में आने लग जाता है। तीसरा लेंथ का, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज वाला बच्चा है उसको अगर आप ये दिखाएंगे तो वो दोनों स्टिक्स को बराबर बताएगा, एक को खाली शिफ्ट कर दिया है और कुछ नहीं किया है, तो ये बात उसको समझ में आने लग जाती है। फिर इसी तरह से जो है एरिया वाला कॉन्सेप्ट जो है बाई 8 to 9 ईयर्स उसको समझ में आने लग जाता है, कि ये जो 8 छोटे छोटे स्क्वायर हैं ये अगर हम जोड़ेंगे तो इक्वल टू इसी के होगा, तो ये इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो कंक्रीट ऑपरेशन से में बच्चा ये मास्टर कर लेता है। फिर इसी तरह वेट का कॉन्सेप्ट भी समझ आता है कि खाली शेप चेंज करने से वेट चेंज नहीं होता है, ये बाय द एज ऑफ 9 to 10 ईयर्स उसको समझ में आने लग जाता है। और लास्टली जो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, वो आपने खाली कंटेनर को चेंज किया है तो उसकी जो पानी की हाइट ज़्यादा हो गई है वो, लेकिन वॉल्यूम तो उतना ही है, आयतन तो उतना ही है, तो ये जो है मैक्सिमम 14 to 15 ईयर्स तक बच्चे को समझ में आने लग जाता है। सो ये जो है सारे कॉन्सेप्ट जो है इस एज में बच्चा मास्टर कर लेता है। फिर ईगो सेंटर्स भी जो है मैंने पिछले वीडियो में आपने बताया था, उसमें और देख लीजिएगा, बच्चे को सिर्फ ये समझ में आ रहा होता है कि उसका जो व्यू पॉइंट है वही व्यू पॉइंट है, सब ऐसे ही सोचते होंगे, वो ईगो सेंटर्स में,
इस एज में जो है बच्चे को थोड़ा ये तो समझ आता है कि दूसरे भी अलग सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो अपनी थिंकिंग पे थोड़ा जोर दे रहा था, लेकिन उसको ये समझ में आ रहा था कि दूसरे अभी कैसे सोच सकते हैं। तो ये कैसे पता चलता है कि उसको जो है ये समझ में आ रहा है कि दूसरे कैसे सोचते हैं, उसके लिए पियाजे और इन्हेल्डर का एक थ्री माउंटेन टास्क है। तो आप इसमें देखेंगे जो लेफ्ट साइड में स्क्रीन में ये जो है डॉल है और राइट साइड में ये बच्चा है। तो अगर बच्चे से पूछा जाए कि इस डॉल को लेफ्ट में कैसा दिखाई दे रहा होगा, राइट में कैसा दिखाई दे रहा होगा, या सेंटर में कैसा दिखाई दे रहा होगा, और इसको बच्चे को फोटो दिखाई जाए, तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि डॉल की लेफ्ट साइड से ऐसा दिखेगा, डॉल की राइट साइड से ऐसा, सेंटर से ऐसा। तो ये थ्री माउंटेन टास्क जो है बच्चा कॉन्क्रीट ऑब्जर्व स्टेज में करने लग जाता है। फिर लॉजिकल रीजनिंग जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग होती है। इस एज में दो तरह की रीजनिंग होती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव में क्या है, बच्चा जो है स्पेसिफिक टू जनरल जा रहा होता है, और डिडक्टिव में जनरल टू स्पेसिफिक जा रहा होता है। जैसे मान लो किसी बच्चे ने, एक बच्चे को स्कूल जाते हुए देखा, उसने ब्लैक शूज़, नेवी ब्लू पैंट और वाइट शर्ट पहनी है, और उसने बच्चे ने बोला मैं सेंट्रल स्कूल का स्टूडेंट हूँ। फिर दूसरा मान लो कोई लड़की आई, उसने भी ब्लैक शूज़, नेवी ब्लू स्कर्ट और वाइट शर्ट पहनी हुई है, उसने भी बोला कि मैं ऐसे सेंट्रल स्कूल में पढ़ती हूँ। ऐसे तीन चार पांच कई बच्चे गए और सबका ब्लैक शूज़ है, सबकी वाइट शर्ट है, लड़की है तो नेवी ब्लू स्कर्ट है और लड़का है तो नेवी ब्लू पैंट है। तो बच्चा ये इंडक्टिव, ये स्पेसिफिक केसेस देखे और रूल उसके दिमाग में हो गया कि अच्छा जो सेंट्रल स्कूल की यूनिफॉर्म है उसमें ब्लैक शूज़ होंगे, वाइट शर्ट होगी, लड़का है तो नेवी ब्लू पैंट होगी और लड़की है तो नेवी ब्लू स्कर्ट होगी। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या है, हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, रूल पता है उसके बेसिस पे हम एक सिंगल केस को देख के समझ जाते हैं कि वो क्या है। जैसे कि बच्चे को बता दिया है कि भाई सेंट्रल स्कूल की ड्रेस ये है कि ब्लैक शूज होगी, वाइट शर्ट होंगे, लड़का है तो नेवी ब्लू पैंट, लड़की है तो नेवी ब्लू स्कर्ट होगी। तो वो किसी भी बच्चे को जाते हुए देखेगा, लड़का या लड़की, उसकी ड्रेस देख के बता देगा कि हाँ ये सेंट्रल स्कूल का है या नहीं है। ये एक डिडक्टिव रीजनिंग है। तो डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो एज 12 ऑनवर्ड स्टार्ट होती है। तो इंडक्टिव रीजनिंग जो है उसको हेल्प कर रही होती है इंटरपर्सनल रिलेशन में, जो हर केस में समझता है कि यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा ये सेम टाइप के केसेस हैं तो यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, तो ये उसको समझ आ रहा होता है। और थर्ड टू फिफ्थ ग्रेड में जो है इफ देन की कंडीशन उसको समझ में आ रही है, इफ देन मतलब अगर ये होगा तब ऐसा होगा। लेकिन जो इफ एंड ओनली इफ वाली जो स्टेटमेंट है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में ऐसा होगा, वो 8th ग्रेड और कॉलेज के बीच में बच्चे को समझ में आती है। फिर कुछ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन भी बच्चे के दिमाग में होते हैं। तो सबसे पहला होता है वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस। इसमें क्या होता है, बच्चे को ये समझ में आता है कि सेम रिजल्ट एक से ज़्यादा तरीके से भी आ सकता है। जैसे 5 + 1 करेंगे तो भी 6 है, 9 - 3 करेंगे तो भी 6 है। और उसको जो है अब जो है टाइम पासेज जो है बड़े क्लियरली समझ में आता है कि 1 साल कितना होता है, 1 घंटा कितना है, 1 मिनट कितना है, 1 सेकंड कितना है, इसको समझ में आ रहा होता है। और फ्यूचर और पास इवेंट्स को क्लियरली समझ पा रहा होता है कि कौन सा फ्यूचर है, कौन सा पास है, और उसमें भी कौन सा ज़्यादा पास में पुराना है इंसिडेंट है, कौन सा कम पुराना है, या फ्यूचर में कौन सा इवेंट जो है जल्दी होने वाला है या फ्यूचर में कोई बहुत लेट होने वाला है, ये उसको समझ में आ रहा होता है। लेकिन जो उसकी स्पेशल एबिलिटी है वो इतनी डेवलप नहीं हुई होती है। उसको अगर जैसे नक्शा बनाने के लिए बोला जाए, कोई चीज़ उसने देखी है रास्ते में आया गया, तो उतना अच्छे से नहीं बना पाएगा। इवन 10 साल तक का बच्चा जो है रास्ता बड़ी जल्दी भूल जा सकता है, भटक सकता है, ये भी होता है। क्लासिफिकेशन वो कर पा रहा होता है जो मैंने आपको बता दिया। जैसे अगर उसको कार्डबोर्ड के जो है डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट कलर्स के अलग अलग जो है ऑब्जेक्ट्स दिए जाएँ, उसमें से मान लीजिए जैसे कुछ स्क्वायर हैं, कुछ सर्कुलर हैं और उसमें भी अलग अलग रंग के, तो उसको बोला जाए कि जैसे जितने भी सर्कुलर शेप के और रेड कलर के हैं वो एक तरफ रखो, और जितने भी रेक्टेंगुलर हैं और ब्लैक कलर के उनको दूसरी तरफ रखो।
तो उस पर समझ में आएगा कि पहले तो जो है शेप सेम, शेप जो है सेम होना चाहिए और फिर कलर सेम होना चाहिए। हायरार्की है, पहले शेप और फिर कलर। तो इस तरह से जो है क्लासिफिकेशन ऑफ हायरार्की उसको समझ में आना चाहिए। और उसको ये भी समझाने लग जाता है कि एक चीज़ की एक से ज़्यादा आइडेंटिटी हो सकती है। जैसे मेरे फादर खाली मेरे फादर ही नहीं है, वो मेरे दादाजी के बेटे भी हैं, वो मेरी मम्मी के हस्बैंड भी हैं, वो जो है मेरी जो है बुआ के भाई भी हैं। तो एक चीज़ की कई आइडेंटिटीज़ हो सकती है, ये भी समझ में उसको आने लग जाता है। और ये जो है सीडेशन वाली कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया है कि हाईएस्ट टू लोएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट, चाहे वो वेट वाइज हो या लेंथ वाइज हो, वो बच्चा करने लग जाता है। फिर उसकी इंफॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव हो रही होती है। तो अटेंशन जो है उसका इम्प्रूव हो रहा होता है इस एज में, और अटेंशन उसका ज़्यादा उन चीज़ों पे जाता है जो इंटरेस्टिंग उसको लगती हैं। जैसे अगर उसने कोई पैसेज पढ़ा और उस पैसेज में उसको कोई पर्टिकुलर एक सेंटेंस जो है बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो उसने ज़्यादा समय चाहे उस पर ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया उस सेंटेंस में, लेकिन इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए उसको वो याद हो जाएगा बड़ी इजीली। तो इसलिए अगर इस एज में बच्चे को कुछ भी सिखाना है तो उसको उसके लिए अगर इंटरेस्टिंग बना दिया है तो बहुत तेज़ी से बच्चा सीख जाता है। तो अगली चीज़ जो है इस एज में बच्चे जो फिगर और ग्राउंड में बड़ी साइमल्टेनियसली जो है स्पॉन्टेनियसली स्विच नहीं कर पा रहा था। अगर आप राइट साइड में फिगर देखेंगे तो अगर केवल व्हाइट वाले हिस्से पे आप फोकस करेंगे सो यू विल फाइंड दैट इट इज़ ग्लास शेप्ड, कुछ कप जैसा है। लेकिन ब्लैक वाले पोर्शन पे फोकस करेंगे तो आपको दो ह्यूमन फेसेस लगे दिखाई देंगे विच आर लुकिंग एट ईच अदर। सो यू कैन ईजिली सी द ग्लास ऑल्सो, यू कैन ईजिली सी द फेसेस ऑल्सो एज एंड वेन रिक्वायर्ड बाई यू। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसको जो है ये एकदम से स्विचिंग नहीं हो पाती है फिगर और ग्राउंड की। मैंने जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी पे एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देखेंगे तो और डेप्थ में आपको समझ में आएगा। अच्छा, मेमोरी जो है बच्चे की इम्प्रूव हो रही होती है क्योंकि वो चीज़ों को कैटेगरीज में बांट के ऑर्गेनाइज करके याद कर रहा होता है। जैसे लिविंग बींग्स कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो लिविंग बींग्स की कैटेगरी है और उसमें उसको डालता गया तो इजीली याद रहेगा। फिर लिविंग बींग्स में भी जैसे जो सी के क्रिएचर्स कौन कौन से हैं वो एक अलग कैटेगरी होगी लिविंग बींग्स में भी, तो वो भी उसको कैटेगरी के वाइज वो याद कर लेगा। रेप्टाइल्स रेंगने वाले कौन कौन से हैं वो भी एक अलग कैटेगरी। ऐसे वो कैटेगरी में ऑर्गेनाइज करके मेमोरी को अपना इम्प्रूव कर रहा होता है और उसकी मेटा मेमोरी जो है इम्प्रूव हो रही होती है। ये जहाँ याद रखिए जहाँ पर भी मेटा वर्ड आए तो उसके बाद वाला वर्ड ऑफ फिर वही वाला वर्ड, ये मीनिंग होता है। मतलब मेटा मेमोरी का मतलब मेमोरी ऑफ मेमोरी, कि उसको ये मेमोरी होती है कि उसकी मेमोरी कैसी है, क्या है, कि ये मुझे याद है कि याद नहीं है, आधा याद है, पूरा याद है, मुश्किल से याद है, ऐसे ये मेटा मेमोरी उसकी होती है, इम्प्रूव हो रही होती है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है उसका हो रहा होता है क्योंकि उसको जो है जो वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट हैं उसके आउटसाइड वर्ल्ड जो है बाहर की दुनिया है उसमें क्या क्या सामान है और उनके आपस में क्या रिलेशन है ये समझ में आ रहा होता है। तो उसे वोकेबलरी उसकी इम्प्रूव हो रही होती है क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट समझ में आता है फिर वोकेबलरी आती है। तो कॉन्सेप्ट उसके बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं तो वोकेबलरी भी होती है। दूसरा, उसको अदर ह्यूमन बींग्स के साथ में इंटरेक्ट करना है, उनसे काम करवाना है, अपनी बात उनको समझानी है, लोगों से क्वेश्चन पूछने हैं, चीज़ों को समझना है, इस सब के लिए इंटरेक्शन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा उसको करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन में इफेक्टिव उसको बनना ही पड़ेगा तभी वो लोगों की बात को समझ पाएगा और अपनी को समझा पाएगा। तो इसलिए भी जो है इस दौरान बच्चे की वोकेबलरी बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो रही होती है। तो सोशल डेवलपमेंट भी जो है बच्चे का इस दौरान हो रहा होता है। जो पेरेंट्स और सिबलिंग्स में पेरेंट्स से उसके रिलेशन जो है काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं क्योंकि पेरेंट्स तो इस एज में बच्चे को काफ़ी टोकते हैं, समझाते हैं ये करो वो मत करो, तो बच्चा इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करते क्योंकि ईगो सेंट्रिज्म में उसको ये समझ में नहीं आता कि मेरे अलावा भी व्यू पॉइंट हो सकते हैं, उसको लगता है कि सबको मेरी तरह ही सोचना चाहिए। तो इसलिए उसको जो है जो भी टोकेगा रोकेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए पेरेंट्स को बहुत केयरफुली जो है प्रोटेक्टिव वे में गाइड करना है। अच्छा, बच्चा ये नहीं चाहता कि उसको टोका ना जाए, ऐसा नहीं है। अगर कुछ कहना ही छोड़ देंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, कुछ टोकेंगे नहीं, मना नहीं करेंगे, तो बच्चों को ये लगेगा कि दे आर नॉट लविंग मी, दे डू नॉट प्रोटेक्ट मी। तो इसलिए बच्चे को गाइड भी करना है, बहुत प्यार से गाइड करना है।
इसमें जो है पेरेंट्स को हमेशा बच्चे में कॉन्फिडेंस शो करना चाहिए कि यस, अगर तुम एक बार में नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, दो बार में कर लोगे, तीन बार में कर लो, लेकिन तुम कर लोगे, हमें पता है। अगर पेरेंट्स जो है ये चीज़ बच्चे में डाल देंगे तो बच्चे की सेल्फ एस्टीम बहुत हाई हो जाएगी, और सेल्फ एस्टीम कैसे पता चलती है, ये बच्चा खुश होगा, उसकी फंक्शनिंग जो है बहुत इफेक्टिव होगी, सारे काम बड़े अच्छे से कर रहा होगा अपने, और वो हैप्पी होगा। जो अगर पेरेंट्स और पीयर, पीयर मतलब दोस्त, जो उसका दोस्तों का ग्रुप है, अगर पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं कि भाई मुझे घर में आके सच्चा हमेशा बताया करो क्या हुआ, और बाहर जो है पीयर उसके कहें कि नहीं, घर में जाके मत बताना, तो वो पीयर्स की बात मानेगा बच्चा, पेरेंट्स की नहीं मानेगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा दोनों के उसमें, वो हमेशा जो है पीयर ग्रुप को जो है प्रेफरेंस देगा। तो 6 to 9 ईयर्स की एज में जो ग्रुप होता है पीयर्स का, वो बहुत लूजली ऑर्गेनाइज होता है, उसमें कभी कोई आ गया, कोई चला गया, कोई फिक्स्ड मेंबरशिप नहीं होती है। लेकिन 5th और 6th क्लास में आते आते, 5th और 6th क्लास बोला मैंने, एज नहीं, 5th और 6th क्लास में आते आते जो उनकी जो जो फ्रेंड का सर्कल है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मलाइज हो जाता है, और एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब ये नहीं कि कोई भी आ जाए, जो हैं वो हैं, जो बाहर हैं वो बाहर हैं, नहीं है, और बहुत कोहेसिव होता है, एक दूसरे से जो है बहुत जुड़े हुए होते हैं ये, और जो कॉन्फ्लिक्ट अगर होंगे, जो टकराव होते हैं, तो उसको सुलझाने का तरीका गर्ल्स में तो कोऑपरेशन से सुलझा लेते हैं, लेकिन बॉयज़ जो है कॉम्पिटिशन होते हैं थोड़ा, वो एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, और उससे जो है अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन करते हैं, लेकिन बॉयज़ हो या गर्ल हो दोनों ही कॉन्फॉर्मिटी जो है वो कर रहे होते हैं। कॉन्फॉर्मिटी मतलब क्योंकि हमें ग्रुप में रहना है, तो इसलिए जो ग्रुप में किया जाना चाहिए वो हमें करना पड़ेगा, चाहे वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन ग्रुप में जो है वो कॉन्फॉर्मिटी शो कर रहे होते हैं ताकि सबकी ओपिनियन उनके प्रति अच्छी रहे। इवन जो है वो एडल्ट से ज़्यादा अपने पीयर्स की बात मान रहे होते हैं, जो मैंने बताया। फिर एक और भी है कि सोसाइटी का भी कुछ फ़र्क पड़ता है, जिन सोसाइटीज़ में एल्डर्स को बहुत सम्मान दिया जाता है, तो वहाँ पे फिर वो हो सकता है कि पीयर से ज़्यादा एल्डर की बात माने, लेकिन अधिकतर सोसाइटी में वो पीयर की ज़्यादा मानते हैं। फिर कई तरह की जो है कैटेगरीज होती हैं बच्चों की सोशली स्पीकिंग, वो क्या है कि सबसे पहला था सोशियोमेट्रिक स्टार्स, मतलब सब उनको बराबर से लाइक करते हैं, उन बच्चों को हम कैटेगरी कौन सी कहेंगे, सोशियोमेट्रिक स्टार्स। कुछ होते हैं कि कुछ लोग लाइक कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनको मिक्सर्स कहेंगे। थर्ड कैटेगरी है टीचर्स नेगेटिव, इसमें जो है कुछ टीचर्स उनको लाइक नहीं कर रहे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, कुछ हो सकता है लाइक भी कर रहे हैं लेकिन कुछ उनको डेफिनेटली लाइक नहीं कर रहे होते, वो टीचर्स नेगेटिव होगा। कुछ होते हैं ट्यून्ड आउट, ट्यून्ड आउट मतलब कोई उनको डिसलाइक नहीं कर रहा है, बस उनको इग्नोर कर रहा है, किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, बस कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसे बस हैं क्लास में, हैं नहीं है कोई फ़र्क नहीं, किसी को कोई फ़र्क नहीं, वो ट्यून्ड आउट हो गए। और लास्ट कैटेगरी है सोशियोमेट्रिक रिजेक्शन, इसमें जो है लोग उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, क्लियर कट रिजेक्ट कर रहे हैं कि उससे हमें इंटरेक्ट ही नहीं करना है। तो सोशल कैटेगरी जो है इस एज में बच्चों की इन 5 में से कोई एक हो सकती है। तो फ्रेंडशिप जो है बच्चों की 5 तरह की होती है, 3 to 7 ईयर्स की एज में बस जो साथ में खेलेगा वो फ्रेंड है, प्लेमेट हो गया। 4 to 9 ईयर्स की एज में जो है जो मेरी हेल्प करेगा वो मेरा फ्रेंड है, मतलब असिस्टेंट के रूप में वो देखते हैं फ्रेंड को। फिर 6 to 12 ईयर्स में कोऑपरेटर्स के रूप में, जो मेरे जो गोल्स हैं, जो मैं करना चाहता हूँ, वो जो है मेरे साथ कोऑपरेट करे, वो मेरा फ्रेंड है। फिर 9 to 5 ईयर्स की एज में इंटीमेट और म्यूचुअल सपोर्टर हो जाते हैं, तो बहुत जो है उनके गोल्स भी सेम हो जाते हैं, वैल्यूज़ भी जो है उनकी सेम हो जाती है, इंटीमेसी जो है बहुत अंतरंग जिसे मित्र कहते हैं ना, वो हो जाते हैं, बड़े दिल की बात वो बताने लग जाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कभी कभार डिसएग्रीमेंट भी होता है, लेकिन फ्रेंडशिप अगर गहरी है तो डिसएग्रीमेंट सॉल्व हो जाते हैं। और लास्ट वाली जो है 5th कैटेगरी है, वो बियॉन्ड 12 ईयर्स आती है, वो डिपेंडेंट बट ऑटोनोमस, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, निर्भर है, लेकिन ऑटोनोमस यानी स्वतंत्र भी है, भाई मेरी जो मर्जी है वो तो मैं करूँगा, हाँ मैं डिपेंडेंट तुम पे हूँ, तुम मुझ पे हो, एक दूसरे की मदद करें, ये नहीं कि लेकिन हमेशा मैं वही करूँगा जो तुम चाहोगे, या हमेशा जो मैं चाहूँगा वो तुम करोगे, ये नहीं, ऑटोनोमस भी है, स्वतंत्रता भी है। फिर सोशल जो है कॉग्निशन जो है, सामाजिक जो है संज्ञान उनको कैसा हो रहा होता है, तो ईगो सेंट्रिक तो मैंने आपको बता ही दिया 3 to 7 ईयर्स ऑफ एज में। फिर जो है 4 to 9 ईयर्स के बीच में सोशल इंफॉर्मेशनल जो है होता है,
इसमें उनको ये समझ में आने लगता है कि हाँ दूसरे का व्यू पॉइंट तो है, बट उनको समझ में नहीं आता कि वो उनका क्या है, कि भी है उसका अलग व्यू पॉइंट कुछ, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता उसका क्या, मेरे को अपने ही समझ में आता है। ये सोशल इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। फिर 6 से 12 ईयर्स में एज में सेल्फ रिफ्लेक्टिव हो जाती है, दूसरों के व्यू पॉइंट समझ तो जाता है लेकिन उसको ये लगता है कि हाँ तो है तो उसका ठीक है, लेकिन वो अपना देखे मैं अपना देखूंगा। ये जो है उसका नेक्स्ट स्टेज होती है विच इज़ कॉल्ड सेल्फ रिफ्लेक्टिव। फिर होता है म्यूचुअल, म्यूचुअल में ये है कि हाँ मेरा अपना व्यू पॉइंट है, उसका भी अपना व्यू पॉइंट है, तो मैं उसका समझ सकता हूँ और वो मेरा समझ सकता है, ये म्यूचुअल हो गया। और लास्ट में होता है सोशल एंड कन्वेंशनल, ये 12+ टिल एडल्टहुड हो जाता है, तो इसमें भी वो चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट उसमें समझने लग जाता है। जब अभी तक जो है 12th तक जो है कॉन्क्रीट चीज़ें समझ रहा था, अब वो एब्स्ट्रैक्ट जो अमूर्त चीज़ों को समझने लग जाता है, और इन उस लिहाज से जो है वो अपना सोशल रिलेशन समझाता है। फिर जो है सेल्फ एस्टीम, जो इस एज में जो है बच्चों को काफ़ी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको बहुत जगह से अपने बारे में फीडबैक मिल रहा होता है, अपने पीयर से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने नेबरहुड से, तो ये सब जो है उसको जो वो सोचता है कि उसकी जो कॉम्पिटेंस होनी चाहिए और वो एक्चुअली कैसे कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेल्फ एस्टीम डिसाइड करता है। यानी कि अगर उसको लगता है कि मुझे फर्स्ट आना चाहिए और फर्स्ट आ रहा है तो सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होगी, लेकिन अगर उसको लगता है फर्स्ट आना चाहिए हर चीज़ में मुझे, हर चीज़ में तो कोई भी फर्स्ट हमेशा नहीं आ सकता है, और एक्चुअली जो है वो हर जगह फर्स्ट नहीं आ पा रहा है, कहीं पे फर्स्ट आ रहा है, कहीं पे बीच में, कहीं पे लास्ट में भी हो सकता है, तो उसकी सेल्फ एस्टीम उसको लो भी महसूस हो सकती है। तो जो सेल्फ एस्टीम का बेसिक जो रीज़न ये होता है उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस और आइडियल कॉम्पिटेंस के बीच में जो गैप है वो सेल्फ एस्टीम है। जितना गैप कम होगा उतनी सेल्फ एस्टीम हाई होगी, जितना गैप ज़्यादा होगा उतनी सेल्फ एस्टीम कम होगी। तो इस एज में जो है बेसिकली 5 चीज़ों के बेसिस पे सेल्फ एस्टीम जो है वो बच्चा डिसाइड कर रहा होता है। 5 चीज़ें कौन सी हैं? स्कॉलिस्टिक, स्कॉलिस्टिक का मतलब है स्कूल कॉलेज के जो सिलेबस रिलेटेड चीज़ें, एथलेटिक, दौड़ भाग, ये सब गेम्स वगैरह में, फिजिकल अपीयरेंस, दिखने में कैसा है, खूबसूरत है, रंग कैसा है, हाइट कैसी है, वगैरह वगैरह, सोशल एक्सेप्टेंस, उसके पीयर ग्रुप में, सोसाइटी में, उसके घर में, उसके नेबरहुड में उसको कितना एक्सेप्ट किया जा रहा है, और लास्टली मॉरालिटी, उसकी मॉरल वैल्यूज़ कैसी हैं, मैच कर रही हैं लोगों से, नहीं कर रही हैं, ये सब। तो हाई सेल्फ एस्टीम का जो मैंने बताया था इंडिकेटर क्या है, हैप्पीनेस, कितना खुश है बच्चा, और जो उसका जो लो सेल्फ एस्टीम है तो उल्टा होगा, सैडनेस होगी और डिप्रेशन होगा। फिर नेक्स्ट आता है मॉरल डेवलपमेंट। तो 3 जो है मेजर थ्योरीज हैं मॉरल डेवलपमेंट की, वो आपके सामने पियाजे की है, कोलबर्ग की है, और दूसरा मॉरल जजमेंट्स की है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पियाजे की, थ्योरी के अनुसार जो इस एज में बच्चा जो होता है उसके अंदर जो हेट्रोनोमस मॉरालिटी होती है, हेट्रोनोमस मतलब आउटसाइड अथॉरिटी, वो ये सोचता है कि कोई जो है आउटसाइड अथॉरिटी है जो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रही है, और मॉरल रियलिज्म का मतलब रूल्स जो भी हैं वो अनचेंजेबल हैं, एब्सोल्यूट हैं, मतलब उसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा होना है तो बस ऐसे ही होना है, उसको कोई बदल नहीं सकता, और बाहर की कोई अथॉरिटी जो इम्प्लीमेंट करेगी। और इसकी वजह से उसको 3 तरह के बिलीफ होते हैं। एक होता है इमिनेंट जस्टिस, इमिनेंट मतलब तत्काल, अगर किसी ने गलत किया तो उसको पनिशमेंट मिलना ही मिलना है, कोई रोक नहीं सकता है, ये उसका थॉट प्रोसेस होता है इमीडिएट जस्टिस का, डेफिनेटली मिलना है। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब अगर किसी ने कोई काम किया है, मान लो अच्छी नीयत से किया है लेकिन वो किसी का नुकसान हो गया, तो बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इंटेंशन तो इसकी अच्छी थी लेकिन नुकसान हो गया, तो वो इसकी जो है ख़राब नीयत की वजह से नहीं हुआ, इसलिए इसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। उसको कॉन्सिक्वेंसेस से मतलब है, कॉन्सिक्वेंसेस गलत तो सज़ा मिलनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव इंटेंशन से मतलब नहीं, उसका इरादा क्या था मतलब नहीं है,
दिस इज द ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंस। और तीसरी एब्सोल्यूटिज्म कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है सही आंसर हो सकता है, अगर ये सिचुएशन है तो सिर्फ ये सही चीज़ सही है, वो सिचुएशन है तो वो सही है, एक ही सिचुएशन में एक से ज़्यादा चीज़ें सही हो सकती हैं, ये बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होता है। और ऑटोनोमस मोरालिटी या मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन अराउंड 10 ईयर्स की एज में बच्चे को हो जाती है, तो इसमें उसको समझ में आने लग जाता है कि रूल्स जो फिक्स नहीं है, मन मर्जी से है, इसको चेंज भी थोड़ा किया जा सकता है, मानना ना मानना हमारा डिसीजन है, हमेशा रूल को ऑबे करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ ये जो है उनको नहीं समझ आ रहा था कभी कभी कि एक एक ही सेम बिहेवियर के लिए एक बार जो कोई शाबाशी दे रहा है, कोई टोक रहा है, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ये जो है बच्चे को कन्फ्यूजिंग लग सकती है, क्योंकि उसको जो हमने ऊपर एब्सोल्यूटिज्म में जो है वाली बात की थी, उसके दिमाग में एक ही सही चीज़ हो सकती है कि अलग अलग सरकमस्टांसेस में अलग अलग चीज़ें भी सही हो सकती है, इसको समझ में नहीं आ रहा होता। और जो एडल्ट मोरालिटी होती है यानी कि बच्चा जब एडल्ट हो जाता है तो उसको जो है कॉपरेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मोरालिटी आती है। मोरालिटी मतलब सही या गलत का डिसीजन कि भाई जब कॉपरेशन करना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, और अगर वो कॉपरेशन नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा किया जाए। फिर कोलबर्ग की थ्योरी में तीन जो है डिफरेंट लेवल बताए हैं, और तीनों लेवल में दो दो स्टेजेस हैं, तो टोटल कितने 6 स्टेजेस हो गए। तो पहला जो है प्री कन्वेंशनल जो है स्टेज है, इसमें जो है पहली स्टेज प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल लेवल में, प्री कन्वेंशनल लेवल में फर्स्ट स्टेज है पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, मतलब करो तो ठीक है, ओबीडियंस हो गया, नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए जो है चीज़ों को करना है। सेकेंड स्टेज है इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज ओरिएंटेशन, मतलब मुझे कुछ प्राप्त करना है, कुछ चाहिए तो मुझे करना चाहिए, ये प्री कन्वेंशनल लेवल के दो स्टेज है। फिर कन्वेंशनल लेवल में थर्ड स्टेज आता है गुड बॉय नाइस गर्ल, लोग मुझे अच्छा कहें इसलिए मुझे करना, मेरी तारीफ हो, मुझे अच्छा माना जाए, एक्सेप्टेंस हो। फोर्थ स्टेज इज सिस्टम मेंटेनिंग, क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए मुझे भी करना चाहिए, सिस्टम जो है मेंटेन, सब लाइन में खड़े हैं, लाइन में जाके मुझे भी करना चाहिए। फिर थर्ड स्टेज आती है, थर्ड लेवल आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसमें जो है स्टेज 5 और 6 होते हैं। स्टेज 5 क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन, भाई मेरे लिए उसने किया तो मुझे उसके लिए करना है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, भाई ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हमको ये बदले में करना पड़ेगा। और लास्ट स्टेज है स्टेज 6, दैट इज़ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन, इसमें यह है कि भाई यूनिवर्सली हर हर जगह जो है ये चीज़ तो सही है तो करनी चाहिए, जैसे बच्चों को प्यार देना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, बड़ों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेडीज़ को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये सब यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल माने जाते हैं। जैसे हम बस या ट्रेन में कहीं हो, अगर कोई लेडी खड़ी है या छोटा बच्चा खड़ा हुआ है या कोई बुजुर्ग खड़ा हुआ है तो हम उसको सीट दे देंगे, सो ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है, ये हर जगह लागू हो। तो इस तरह से फिर स्टेज 6 में बच्चा सोचने लग जाता है। इसी में जो है एक हाइंस जो है एक व्यक्ति, इमेजिनरी व्यक्ति माना गया है कोलबर्ग की थ्योरी में ही, तो वो डायलेमा दिया जाता है, डायलेमा का मतलब तो दुविधा, बच्चे को जो है एक हाइंस नाम के व्यक्ति का की दुविधा दी जाती है, डायलेमा दिया जाता है कि एक व्यक्ति है हाइंस, उसकी वाइफ मरने वाली है और जो मेडिसिन जो है उसकी वाइफ को बचाने के लिए चाहिए वो $1,000 की है, मगर उसके पास में खाली $200 है, तो अब जो है हाइंस को क्या करना चाहिए, मेडिसिन जो है दुकान से आके चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि बच्चा क्या आंसर देगा, आंसर ये है कि वो जो डायलेमा बच्चे के सामने पेश किया गया कि एक तरफ वाइफ को बचाना, दूसरी तरफ चोरी करना गलत है, तो वो जो भी आंसर दे रहा है उसका जस्टिफिकेशन क्या दे रहा है वो हमें उसकी मेच्योरिटी का लेवल बताएगा। फिर नेक्स्ट मॉरल जजमेंट एंड मॉरल बिहेवियर, तो इसमें जो ये देखा गया कि 10,000 बच्चों पे स्टडी की गई थी जो बहुत रिजिड मॉरल स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करते थे बच्चे, लेकिन ये देखा गया कि जब उनकी खुद की बारी आती थी तो वो बहुत बार जो है वैसा बिहेव नहीं करते थे जैसा वो चाहते हैं कि सब बिहेव करें, लेकिन अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए वो कोई ना कोई
रीजन दे देते कि मैंने तो ऐसा इसलिए किया था, वरना करना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया था। तो यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि जो रिजिड स्टैंडर्ड्स को, रिजिड मॉरल स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट कर रहा हो, वो खुद भी ऐसा कर रहा हो। तो ये डायलेमास होते हैं, जो दुविधाएं होती हैं, वो क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी जो नीड्स हैं, जरूरतें हैं, वो और हमारे जो मोटिव्स हैं, इरादे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं। किसके साथ में? या तो लॉ के साथ में, कानून के साथ में, कल्चर के साथ में, सभ्यता के साथ में, या हमारे पीयर्स, दोस्तों की जो मोरालिटी, पेरेंट्स ने जो हमको बताया, टीचर्स ने जो हमको गाइडलाइंस दी है, इनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, इसलिए डायलेमा लग रहा होता है। तो जो थर्ड और फोर्थ ग्रेड का बच्चा है, अगर उसको कोई स्टोरी सुनाओ, जैसे वो थर्स्टी क्रो वाली या रैबिट और टॉर्टॉइस वाली रेस की, तो स्टोरी सुन के मॉरल स्टोरी तो बता देगा, लेकिन उसको लाइफ में अपने लागू नहीं कर पाएगा। जैसे टॉर्टॉइस और हेयर वाली स्टोरी या रैबिट वाली स्टोरी बता देगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन अब उसको लाइफ में कैसे लागू करना है वो उसको समझ में नहीं आएगा। सो जो मॉरल डिसीजंस हैं, इनका फ़ायदा तब होता है जब वो प्रैक्टिस में आए और वो मेच्योरिटी से आता है। तो ये जो है धीरे धीरे बच्चे को समझ में आने लग जाता है बाद में। तो अब इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है, इसमें बच्चे को सबसे पहले फियर समझ में आता है, और फियर उसके फैंसीफुल भी हो सकते हैं, मतलब अजीबो गरीब, सुपर नेचुरल भी हो सकते हैं कि कोई राक्षस आ रहा है, कोई इमेजनरी जो है एनिमल आ रहा है, डायनासोर आ रहा है, या कोई बहुत डेंजर की वजह वो जो है आग लग के आ जा सकती है कहीं बहुत दूर से, अंधेरे से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डेथ इंजरी, बिजली कड़कना, गिरना, हंसी उड़ाने से भी कोई उसकी हंसी उड़ा सकता है, वो भी एक डर हो सकता है। तो अब जो फियर का जो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है, जो बाहरी जो प्रदर्शन है, वो सोसाइटी की वजह से बच्चा ज़्यादा नहीं कर सकता, कि सब कहते टोकते हैं कि ऐसे क्या कर रहे हो, इतना क्यों डर रहे हो, हाँ, तो ये जो है वो बच्चा नहीं कर पा रहा होता है। तो उसका जो एक्सप्रेशन जो है एक्सटर्नल की बजाय जो है वो दूसरे तरीके से दिख रहा होता है, रो नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता है, भाग नहीं सकता है। तो अब जो है वो या तो शाइनेस है, एम्बेरसमेंट है, चिंता है, एंग्जाइटी है, ये सब जो है इस टाइप के इमोशंस जो है वो फियर को दिखा रहे होते हैं, या जैसे गाल उसके एकदम से लाल हो जाएंगे ऐसी सिचुएशन में, एम्बरेसिंग है कोई, या जहाँ पे उसको मजाक उड़ाया जा रहा है, या कान खींचने लग जाएगा, अपने कपड़ों को ही जो है खींचेगा, या एक पैर से दूसरे पैर पे शिफ्ट होने लग जाएगा, ये सब उसके सिंबल्स जो है इनडायरेक्ट होते हैं कि वो इसको एक्सपीरियंस कर रहा है। जो एंगजाइटी है वो बाद में डेवलप होती है, पहले फियर होता है। एंगजाइटी और फियर में फ़र्क समझिए, फियर तो इमीनेंट हेयर एंड नाउ है, अभी यहाँ जो सामने है वो फियर है, जैसे कोई कुत्ता है वो काटने आ रहा है तो ये फियर हो गया। एंग्जाइटी जो है फ्यूचर का फियर होता है, यहाँ नहीं है, दिख नहीं रहा है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि फ्यूचर में कभी हमारे सामने आएगा, कुत्ता भी नहीं है लेकिन हमें किसी के घर जाना है, वहाँ पर उसके पास में कुत्ता है, तो वो सोच के एंग्जाइटी हो रही है। तो पहले बच्चे के अंदर फियर का जो है इमोशन डेवलप होता है, और फिर जो है एंग्जाइटी का आता है, ये जनरली फोर्थ टू सिक्स्थ ग्रेड में डेवलप होता है, और अगर ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो तो डिप्रेशन, नर्वसनेस, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, कभी एकदम से खुश, एकदम से जो है रोने लग जाएगा, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, सेंसिटिव हो जाना, बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाना, खुश नहीं रहना, इनसिक्योर फील करना, असुरक्षित भावना, ये सब जो है एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं। फिर जो है इमोशनल जो डेवलपमेंट में, जो एंगर के जो है दो कैटेगरी है गुस्से की, एक तो इम्पल्सिव, इम्पल्सिव में जो है एग्रेसिव होगा, मतलब काफ़ी जो है उग्र रूप होगा, बिखर जाना, एकदम से फैल जाना, ये सब जो है होता है। फिर लेकिन ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे एज बच्चे की बढ़ती है, इम्पल्सिव वाला एंगर जो है कम होने लग जाता है। सेकेंड वाली जो कैटेगरी है वो इनहिबिटेड है, वो अंडर कंट्रोल रहती है, इसमें बच्चा प्रदर्शित अपने वर्ड से या एक्शन से नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा जो दिखेगा कि जैसे उसको दुखी हो गया है, मुंह सुजा लेगा जैसे कहते हैं ना, एकदम से जो है वो अपने ऊपर जो है द पर्सन विल फील सॉरी फॉर देमसेल्फ, जैसे अपने ही को
बेचारा मानना है, या कहेगा कि मैं घर से भाग जाऊंगा, इस टाइप का जो है ये भी सिम्टम्स है। जो दूसरा जो है क्यूरियोसिटी, जो है बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है सीखने के लिए। ये समझ लीजिए कि जो इंटेलेक्चुअल लाइफ है उसका फाउंटेन है, उसका झरना है क्यूरियोसिटी। इसी से जो है इंटेलेक्चुअल लाइफ डेवलप होती है। जिसमें क्यूरियोसिटी नहीं होती वो चीज़ों को सीखेगा ही नहीं। तो जो व्हाट व्हाई हाउ ये सब जो है, जिसमें जितना ज़्यादा है उतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, उतना ही उसका ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 2 to 6 ईयर्स में जो है बच्चा काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहा होता है, तो अब जो क्वेश्चन पूछने की एज से अब वो रीडिंग में जो है कन्वर्ट हो रहा होता है, क्योंकि अब वो पढ़ना सीख रहा होता है धीरे धीरे। तो अगर उसको ये समझ में आ जाता है कि भाई पढ़ने से आंसर मिल सकता है मेरे क्वेश्चंस का, तो वो पढ़ने लग जाएगा बजाय क्वेश्चन पूछने के। और अगले इमोशंस जो इस एज में आते हैं वो जॉय, प्लेजर एंड डिलाइट। तो जो जॉय का जो माइल्डर फॉर्म है उसको प्लेजर कहेंगे, और डिलाइट इज नथिंग बट हैप्पीनेस। तो इसमें जो है काम, क्वाइट, सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ कंटेंट जो है, और बिल्कुल जोश से भरे हुए जो है बच्चे होते हैं। और ये लेकिन उनको समझ में आता है कि अपनी जो है खुशी का इजहार जो है वो सामाजिक तरीके से ही करना। दे शुड एक्सप्रेस देयर हैप्पीनेस इन ए सोशली अप्रूव्ड मैनर ओनली। जैसे मान लो कोई गेम किसी के साथ में खेल रहा, जीत गए तो ठीक है, थोड़ा बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा खुशी नहीं करें कि सामने वाले को बेइज्जती महसूस हो। ये उनको धीरे धीरे समझ में आना है, जो कि एसेंशियल भी है, क्योंकि उनको अपने सोसाइटी में रहना है, लोगों से अच्छे रिलेशन बनाने हैं। और बच्चों को जो है इमोशनल टॉलरेंस सीखना ही पड़ेगा, इमोशनल कंट्रोल सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट जो वातावरण है वो हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं रह सकता है। तो एनवायरनमेंट अगर हमारे इमोशंस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है ये बच्चों को सीखना इम्पोर्टेंट होता है, वो धीरे धीरे सीखते हैं। थर्ड इज स्कूलिंग एंड डेवलपमेंट। अब जो है स्कूलिंग के जो है मेन पर्पसेस क्या है, सबसे पहला तो जो है इंटेलिजेंस को कल्टिवेट करना, यानी कि उसको आपने इम्प्रूव करना है बच्चे की इंटेलिजेंस को। दूसरा जो है बच्चे में कोई स्पेशल एप्टीट्यूड है तो उसको ढूंढना और उसको डेवलप करना, ये है। तीसरा जो बेस सब्जेक्ट्स हैं, जो मूल सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, वो हर एक को सिखाए जाएं, और जो उनमें अच्छा नहीं है उसको आगे चल के ना पढ़ाया जाए, लेकिन जितना ज़रूरी है आम जिंदगी के लिए उतना। जैसे प्लस माइनस तो सभी को सीखना पड़ेगा, डिवाइड तो सभी को आना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो सभी को ज़रूरत पड़ती है लाइफ में, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी कि हर एक कोई मैथमेटिशियन बन जाए। तो ये जो है बेस सब्जेक्ट्स हुए, इस तरह से लिखना पढ़ना सभी को आना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हर एक कोई राइटर बन जाएगा। तो बेस सब्जेक्ट्स सिखाए जाएँ सभी को, और जो उसमें अच्छे हैं वो आगे जा सकते हैं, जो नहीं है तो वो कुछ अपना और चुन सकते हैं। तो जो करिकुलम है स्कूल का, वो जो है उस पर 2 बातों का विशेष ध्यान दिया जाए। एक तो बच्चों को क्या अवश्य ही जानना चाहिए, व्हाट दे ऑट टू नो, जो मैंने अभी चीज़ें बताएं। दूसरा है इन व्हाट ऑर्डर द सब्जेक्ट्स आर टॉट, कि किस सीक्वेंस में सिखाएं, पहले ये, फिर ये, फिर ये। जैसे स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स जो एकदम से बच्चे को सिखाने लग जाएंगे, प्लस माइनस तो नहीं सीख पाएगा, उसको पहले नंबर सिखाने पड़ेंगे। एकदम से जो है सेंटेंस लिखने को बोला जाएगा तो नहीं लिख पाएंगे, पहले उसको अल्फ़ाबेट सिखाने। तो ऐसे क्या सीक्वेंस में होगा वो होगा। और किसी भी चीज़ को सीखने में जो बहुत सीवियर मेंटल एफर्ट लग रहा है, तो उसको जो है कभी भी एज 7 से पहले नहीं लेना, नहीं तो बच्चे के दिमाग पे जरूरत से ज़्यादा जोर पड़ेगा। फिर जो स्कूलिंग है बच्चे की, उसमें जो है हम 4 तरह के इंस्टिंक्ट्स को डेवलप करते हैं। एक तो सोशल इंस्टिंक्ट, वो मैंने बता ही दिया काफ़ी डिटेल में, सोसाइटी में उसको एडजस्ट होना है तो डिफरेंट चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। दूसरा है बच्चे की कंस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट, यानी कि कुछ बनाने की, कंस्ट्रक्शन का मतलब कुछ बनाना होता है, तो बनाने की जो इंस्टिंक्ट है वो, जैसे चाहे वो खेल के जरिए हो, जेस्चर्स हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको जो है ये शेप जो है देने का टाइम होता है स्कूल में, कि वो कंस्ट्रक्शन, कोई नई चीज़ जो बनाना चाहता है वो बनाए, मटेरियल से भी बना सकता है। तीसरा जो है इन्वेस्टिगेटिव इंस्टिंक्ट, खोजी प्रवृत्ति जिसे कहते हैं, वो डेवलप करना, हर चीज़ में जो है वो गहराई में जाए, और जो है
और डेप्थ में जाए। तो ये जो इन्वेस्टिगेटिव इंस्टिंक्ट को कंबाइन किया जाता है कंस्ट्रक्टिव इम्पल्स के साथ में, ताकि बच्चा और ज़्यादा जो है इम्प्रूव करे। और चौथी है एक्सप्रेसिव इंस्टिंक्ट और आर्ट इंस्टिंक्ट, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट्स, ड्रामा, कुछ भी, किसी भी तरह की वो हो सकती है। तो ये जो है बातचीत के जरिए, कंस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट के जरिए, जो धीरे धीरे जो है बच्चे में इम्प्रूव होती जाती है, कर सकते हैं। तो उसको जो है इसमें फ्री हैंड दिया जाना चाहिए बच्चे को, और फ्लेक्सिबिलिटी दी जानी चाहिए, और एक कोई सोशल मोटिव देना चाहिए, समाज में हमें ये चीज़ करनी है इसलिए हमको ऐसा करना है, तो वो जो है बड़े अच्छे से सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव बच्चा बनेगा। फिर स्कूल में जो है चार मेन चीज़ों पे फोकस किया जाता है इस एज ग्रुप में, विच आर ब्रीफली कॉल्ड 3 आर्स एंड ए सी। 3 आर्स क्या है? रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। तो रीडिंग में खाली बस किताब पढ़ना नहीं है, प्रोनंसिएशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, मतलब उच्चारण कैसा होना चाहिए, आवाज़ का उतार चढ़ाव, रिकॉग्नाइजिंग इमोशनल ओवरटोन्स, मतलब जो पढ़ रहा है चीज़ उसमें इमोशंस है, तो उस इमोशन को भी अपनी वॉइस में लेके आना है, कहाँ पे कितना रुकना है, किस स्पीड से पढ़ना है। और बच्चे को अगर एक बार प्रोनाउंसिएशन अगर कहीं गलत करता है, एक बार करेक्ट कर दोगे तो तुरंत ही उसको पकड़ लेगा, और फिर दोबारा वो मिस्टेक नॉर्मली नहीं करते हैं। तो टेक्स्ट पढ़ना बच्चों के लिए बोरिंग हो सकता है, इसलिए उनको एनकरेज करना चाहिए वो बुक्स पढ़ने के लिए जो उनको इंटरेस्टिंग लगती हैं। जो आपको याद हो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इंटरेस्ट जिस चीज़ में उनका डेवलप है वो बड़ी तेज़ी से सीखते हैं। तो अगर आप उनको रीडिंग सिखाना चाहते हैं तो वो बुक्स पढ़ने को बोलिए जो उनको पढ़ने में मज़ा आए, इंटरेस्ट आए। फिर जो राइटिंग है, दो तरह के व्यूज़ हैं कि बच्चे को स्पॉन्टेनियसली जो है जो एक्सप्रेस करना चाहिए अपने थॉट्स को, मतलब जो जैसे जैसे दिमाग में है वैसे वो एक्सप्रेस करता जाए, एक तरीका ये है। दूसरा कहते हैं कि भाई बच्चे को अभी इतना पता ही नहीं है, तो उसको पहले कोई एक लिटरेचर पढ़ने को दिया जाए अच्छे क्वालिटी का, तो उसको पढ़ के समझ आएगा अच्छा कैसे लिखा जाता है। तो दोनों ही व्यू हैं अपने अपने, दोनों के अपने प्लस एंड माइनस हैं। हाँ, ये टीचर के लेवल पे ये करना चाहिए, जब वो राइटिंग एक्सरसाइज दें तो टीचर एक्सप्लेन करे कि क्या एक्सपेक्टेड है बच्चे से, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ऐसे गाइडलाइन दे के फिर छोड़ दे बच्चे को लिखने के लिए। जब वो लिखना स्टार्ट कर दे फिर बीच में नहीं टोके, तो उससे जो है राइटिंग स्किल्स डेवलप होते हैं। मैथ स्किल बच्चे को केवल इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो ज़िंदगी में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न की जरूरत सबको पड़ती है, वो तो बात है ही है, लेकिन मेन बात ये मैथमेटिक्स से बच्चे को एक्यूरेसी समझ में आती है कि लाइफ में एक्यूरेसी भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि मैथमेटिक्स में या तो आंसर राइट है या रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता मैथमेटिक्स में कि हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है या इट इज़ वेरी सजेस्टिव, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ बच्चे को समझ आती है कि भाई एक्यूरेसी भी होती है। फिर कंप्यूटर स्किल्स को दो एंगल से देखा सकता है, एक तो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है एज ए मीडियम, और दूसरा जो है एज ए सब्जेक्ट। एज ए सब्जेक्ट अगर पढ़ाना है तो 14 ईयर्स की एज से पहले नॉर्मली नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आँखों के लिए अच्छा नहीं होता है उतना स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए। आजकल तो बड़ी जल्दी सीख जाते हैं बच्चे कंप्यूटर, तो और वो कंप्यूटर जब सीख भी रहे हैं तो सुपरविजन अच्छे से होना चाहिए कि वो क्या चीज़ जो है वो सीख रहे हैं, नहीं तो हो सकता है वो गलत चीज़ें जो है इंटरनेट से वो बच्चा सीख सकता है। फिर जो नॉलेज से रिलेटेड सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, ये भी स्कूल में सिखाई जाती है। तो ज्योग्राफी जो है थ्रू पिक्चर्स, थ्रू टेल्स यानी कि कहानियाँ, सिनेमा, मैप्स, कुछ एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन वर्बली बता के, ऐसे लिखने के लिए बोल के, कंट्रीज की पिक्युलैरिटीज़ के बारे में बता के या पता करके बोलो उनको अब बताओ, ऐसे ज्योग्राफी सिखानी चाहिए। हिस्ट्री में जो है तब आते हैं जब ज्योग्राफी बता देते हैं, फिर हिस्ट्री आती है। तो हिस्ट्री में जो है फिर हम स्टोरीज के थ्रू जो है उनको सिखाना चाहिए, जैसे महाराणा प्रताप है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, विवेकानंद, ऐसे लोगों के बारे में हम बताएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट जगह के, डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लोग, डिफरेंट डिफरेंट एरिया के लोग, वो जो है हिस्ट्री से कनेक्ट होते हैं ज्योग्राफी के साथ में। तो और इसमें साथ में जो है ये भी बताना होता है बच्चे को कि कैसे हम
पहले जो है सैवेज मैन थे, यानी कि आदि मानव काल से अभी जो हमारी सभ्यता आई है वो कैसे आई है, और दूसरा जो है ये लिंक क्रिएट करता है बच्चे के दिमाग में अपने और मानवता के बीच में, बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द एंटायर ह्यूमैनिटी, इट क्रिएट्स ए लिंक हिस्ट्री। और इसमें जो है स्टोरी टेलिंग अगर आप करेंगे जो हीरोज़ के, जो डिफरेंट हिस्टोरिकल हीरोज़ हैं, तो बच्चे को और जल्दी समझ आएगा। साइंस जो है, जो प्योर साइंस जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये बिफोर द एज ऑफ 14 नहीं स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें बहुत होती हैं, बच्चे को समझ में नहीं आएंगे। तो इसमें जो है बच्चे को साइंस पढ़ाते में, तो उस द वी शुड डेवलप द स्पिरिट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब चीज़ों को गौर से देखना और प्रयोग करना, और ये जो है उनकी इमेजिनेशन यानी कि जो कल्पनाशीलता को भी बढ़ावा देगी। लैंग्वेज जो है बच्चों को ऐसे सिखानी चाहिए कि उसके दिमाग पे ज़्यादा जोर ना पड़े और उसको थकावट महसूस ना हो। जो फॉरेन लैंग्वेज है वो इस एज में सीखना बच्चे के लिए बड़ा आसान होता है, बाद में सीख तो जाएगा बाद में भी, लेकिन जो एक्सेंट है उसका वो वैसा नहीं होगा जैसा नेचुरल होना चाहिए। जो लिटरेचर यानी कि साहित्य जो है वो बेसिकली मेमोरी को ट्रेन करने के लिए किया था, जैसे कोई जो है शेक्सपियर का नॉवल है या अभिज्ञानम शाकुंतलम है ना, उसमें से कुछ पढ़ाया जा रहा है बच्चे को, तो उसको जो है डायलॉग्स याद करने के लिए दिए जाते हैं, और वो उन डायलॉग्स को एज ए प्ले क्लास में जो है प्रेजेंट करे बच्चा विद इमोशंस, तो उसकी मेमोरी भी इम्प्रूव होगी और वो चीज़ उसके लिए हमेशा के लिए याद भी हो जाएगी। फिर आती है वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन में मतलब सबसे पहली चीज़ है इसमें वाइटैलिटी। वाइटैलिटी का मतलब जो है जो फिजिकली जो है बच्चा बिल्कुल एनर्जेटिक हो और उसको जो है अच्छी हेल्थ का आनंद ले रहा हो। वाइटैलिटी में आदमी को सिर्फ इसीलिए आनंद आ रहा था कि वो है दुनिया में, उसको कुछ मिले ना मिले उसे परवाह नहीं, वो है, वो इसी बात में खुश है। तो ये वाइटैलिटी जो है बच्चे में प्रमोट करनी चाहिए अच्छी हेल्थ के जरिए, और उसको जो है आउटसाइड वर्ल्ड में कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए, हार्ड वर्क के जरिए, तो अपने आप ही हेल्थ इंप्रूव भी होगी। और जिसमें वाइटैलिटी जिस इंसान में होती है उसमें एनवी वाली फीलिंग नहीं आती है, जलन वाली फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि जो इंसान अपने आप में ही खुश है बिना किसी चीज़ को पाए वो किसी से क्यों जलेगा। तो इसलिए वाइटैलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट इज करेज। करेज इज़ नॉट एब्सेंस ऑफ फियर जस्ट, नो इट्स नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ फियर, करेज इज़ द पावर ऑफ कंट्रोलिंग फियर। तो जो करेज जो है बच्चे में डेवलप करना पड़ता है, और एक आदमी में किसी में करेज देखना है का अगर आपने प्रयास करना है तो आप ये देखिए कि उसके इंटरेस्ट कितने हैं। नॉर्मली जिसके इंटरेस्ट जितने ज़्यादा होते हैं वो उतना ज़्यादा जो है करेजियस होता है, क्योंकि उसको फेल होने का डर नहीं है, कि आप जब कोई नई चीज़ करेंगे तो फेल होंगे ही स्टार्टिंग में एकदम से, कहाँ आप कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखेंगे एकदम से सीख जाएंगे, नहीं, बहुत बार कोशिश करेंगे फेल होंगे फिर सीखेंगे। आप एकदम से कोई गेम खेलना सीखेंगे नहीं होंगे, पहले बिल्कुल बचकाना से खेलेंगे हारेंगे। सो ये जो है द पर्सन हु इज़ ऑफ मैनी इंटरेस्ट इज जनरली करेजियस। तो ये जब आदमी मेंटली फ्री होता है, उसका इंटेलिजेंस फ्री फ्लोइंग होता है, तब करेजियस में डेवलप होता है। फिर जो है नेक्स्ट इज सेंसिटिवनेस। सेंसिटिवनेस एक करेक्टिव पार्ट है करेज का। अगर करेज बहुत ज़्यादा किसी में है तो वो किसी से डरेगा ही नहीं, वो किसी को कुछ भी कह देगा कुछ भी कर देगा, लेकिन हमें सोसाइटी में रह के तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू बी सेंसिटिव अबाउट अदर्स, हमें दूसरों के प्रति संवेदी होना पड़ेगा। तो जो करेज है उसको करेक्ट करके अपने इमोशनल रिएक्शंस को परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार अप्रोप्रिएट रखना है, तो जो हमारा बिहेवियर है वो प्लेजेंट हो, दूसरों के प्रति सिंपैथी हो, सहानुभूति हो, ये सब जो है सेंसिटिविटी के डिज़ायर्ड फॉर्म है। फिर इंटेलिजेंस इज़ नॉट जस्ट यू नो मैनी थिंग्स,
इट इज़ योर एप्टीट्यूड फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, आप नॉलेज को कितना लेना चाहते हैं, वो इंटेलिजेंस एक्चुअल होती है। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कितने लेने की इच्छा है आपकी, वो जो है बताता है। जैसे क्यूरोसिटी मैंने बताया था, जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा जो है आपको नॉलेज ईजिली मिलेगी। फिर डिसिप्लिन जो है दो तरीके का होता है, एक तो डिसिप्लिन होता है कि भाई कुछ रिजल्ट हासिल करना है खाली, जैसे आपने जो है सिर्फ ये बोला अच्छा ये जो है पोएम 100 बार पढ़ो क्योंकि आप याद कराना चाहते हो बच्चे को, तो उसने 100 बार पढ़ दिया तो याद हो ही जाएगी। तो ये डिसिप्लिन केवल डिसिप्लिन नहीं होता है एक्चुअल, या केवल जो है टाइम पे आ जाना, होमवर्क करके टाइम से आना, केवल ये डिसिप्लिन नहीं होता। एक्चुअल डिसिप्लिन क्या है कि हमें कोई गोल कैसे हासिल करना है, उसके लिए खुद को कैसे कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है जब तक कि गोल ना हासिल हो जाए, दैट इज़ द एक्चुअल डिसिप्लिन। तो इस एज में बच्चे को एक्चुअली ये सिखाना होता है। तो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे वो फिजिकल एजुकेशन, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीम वर्क सिखाती है, बच्चे के जो है फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स को भी डेवलप करते हैं, कोऑपरेशन सिखाती हैं, हेल्थ हाइजीन इम्प्रूव करती हैं, पर्सनल क्लीनिनेस, सेफ गार्ड फ्रॉम डिजीजेस, ये सब जो है इसमें हो जाता है। फिर टीचिंग फॉर प्लेजर भी होता है, बच्चे को आनंद आए, तो इसमें दो चीज़ें नॉर्मली स्कूल में की जाती है, डांस और म्यूज़िक। म्यूज़िक थोड़ा बड़े बच्चों के लिए ज़्यादा ठीक होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है, छोटे बच्चे को थोड़ा म्यूज़िक में सीखने में मुश्किल होगी। लेकिन डांस जो है छोटे बच्चों को भी बड़ी इजीली कराया जा सकता है और ग्रुप एक्टिविटी में बहुत एंजॉय भी करते हैं वो। तो छोटे बच्चों को जो है टीचिंग फॉर प्लेजर में डांस, और थोड़े से बड़े हो जाएं तो डांस और म्यूज़िक का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। फिर तीसरा जो है एजुकेशनल एक्सकर्शंस भी, जो दुनिया की उसके आसपास की जो दुनिया है बच्चे की, जो उसकी सराउंडिंग्स में जो डेली जो चीज़ें देखता है उसके बारे में वो एक्चुअली होती कैसे हैं। जैसे शुगर, बच्चे को तो सबको पता होगा शुगर क्या है, लेकिन शुगर बनती कैसे है ये उसको शुगर मिल में ले जाकर दिखाया जाए। अब वो डेली जो है खाने में कोई ना कोई सब्जी खाता ही होगा, रोटी खाता ही होगा, चावल खाता ही होगा, लेकिन चीज़ें पैदा कैसे होती हैं ये उसको खेत में ले आकर दिखाया जाए। या हिस्टोरिकल प्लेसेस, लाइब्रेरी, फॉरेस्ट, विलेज, कहीं पे भी ले जाया जाए और जो उसकी जो रियल लाइफ की जो चीज़ें उनसे कनेक्ट किया जाए, और उसको जो है वहाँ ले जाने से पहले उस जगह के बारे में बताया जाए, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाए, ताकि जब वो वहाँ पर जाए तो उसके अंदर और क्यूरियसिटी हो, क्वेश्चंस पूछे। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर विच इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन स्कूल चिल्ड्रन एंड रेमेडियल मेजर्स। तो स्कूल चिल्ड्रन में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वो अभी हम बात करेंगे, और उसके लिए कुछ समाधान भी होते हैं। सबसे पहला होता है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी को जो है सबसे पहले जो है सैमुअल कर्क ने 1972 में ये वर्ड दिया था। अब ये होते क्या लर्निंग डिसेबिलिटी, बच्चे में कोई भी ऐसी जो है बात है जो कि एवरेज चिल्ड्रन से कम है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन अक्सर जो है कम के रूप में दिखाया जाता है, कि उसको कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिससे जो एवरेज बच्चे से बिल्कुल अलग हटके है। वो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, मानसिक हो सकती है, सेंसरी एबिलिटी हो सकती है, संवेदी अंगों से रिलेटेड हो सकती है, न्यूरोमस्कुलर और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, शारीरिक हो सकती है, सोशल और इमोशनल हो सकती है, सामाजिक और भावनात्मक हो सकती है, कम्युनिकेशन एबिलिटी वार्तालाप की रिलेटेड हो सकती है, और मल्टीपल भी हो सकती है, इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और ये इतनी इस तरह से हो कि उसको जो है नॉर्मल जो मोड है बच्चे को पढ़ाने का, वो मोड से अगर वो पढ़ाई करेगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तब हम कहेंगे कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो इसमें दो तरह के हम ब्रॉड ग्रुप जो है बनाते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो मैंने भी बताया लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट हो सकता है, भाषा से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, मेंटल रिटार्डर मानसिक रूप से जो है कोई समस्या हो सकती है, इमोशनल और बिहेवियरल डिस्टर्ब भी हो सकता है, भावनात्मक रूप से या व्यवहारिक रूप से भी हो सकता है, फिजिकली भी चैलेंज हो सकता है,
ऑटिज्म, डेफ, ब्लाइंड, ट्रॉमा यानी किसी सदमे से गुजरा हुआ भी बच्चा हो सकता है, ब्रेन में कोई डिसऑर्डर हो सकता है, या मल्टीपल हैंडीकैप भी हो सकते हैं। तो ये ग्रुप ए हो गया। ग्रुप बी में गिफ्टेड या टैलेंटेड, ये मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या बहुत तेज़ी से सीखने वाले, बहुत एडवांस्ड, ये जो है ग्रुप बी में आ गए। तो ये दोनों ही बच्चों को अगर आप नॉर्मल एजुकेशन दोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि सैमुअल कर्क ने जो है ये दिया था शब्द सबसे पहले, और इसमें जो है बच्चे को कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो मैंने पीछे बताई थी, लेकिन इनका प्रभाव कहाँ दिख रहा होगा, उसको या तो पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी, उसको डिसलेक्सिया कहेंगे, या उसको लिखने में दिक्कत आ रही होगी, उसको डिसग्राफिया कहेंगे, या उसको मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही होगी, उसको डिसकैल्कुलिया कहेंगे। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हो सकती हैं बच्चों में? एक तो इनकी जो प्रॉब्लम का जो है ओरिजिन न्यूरोलॉजिकल हो सकता है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित हो सकता है, हमेशा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन इससे हो सकता है। फिर ये जो है अलग अलग तरीके से जाहिर करेगा बच्चा, कभी कैसे कभी कैसे, जैसे मैंने बताया लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, और सीवियरिटी यानी कि कितना जो है गहराई में प्रॉब्लम है, वो भी किसी में बहुत मामूली सी होगी, ना के बराबर किसी में, मॉडरेट होगी किसी में, बहुत सीवियर होगी। और ये बच्चे के सेल्फ कॉन्सेप्ट को इफेक्ट करता है, उस पर असर डालता है, सेल्फ में अपने बारे में बच्चा खराब फिर सोचता है। तो इसमें जो है हम जो जो डिसेबिलिटी कैटेगरी को हम नॉर्मली इंक्लूड नहीं करते हैं, हम इसमें जैसे मान लीजिए किसी को जो है दोनों आँखें ही नहीं हैं, तो वो तो डिसेबिलिटी हो गई, तो उसके लिए तो स्पेशल एजुकेशन देनी ही पड़ेगी। लर्निंग डिसेबिलिटी में हम नॉर्मली जो डिसेबिलिटी है उसको हटा के हम देखते हैं। फिर ये जो है अगर टाइम से डिटेक्ट कर ली जाए लर्निंग डिसेबिलिटी, तो इसका इलाज किया जा सकता है और फ़ायदा पहुंचता है। तो नॉर्मल लर्निंग प्रोसेस में एक या एक से ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। अब जो लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन में की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक तो मिक्स्ड ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हो सकता है, केवल एक ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक से ज़्यादा भी प्रॉब्लम एक साथ हो सकती हैं। और ये प्रॉब्लम लर्निंग डिसेबिलिटी केवल स्कूल तक ही सीमित नहीं रहती है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब भी प्रॉब्लम रह सकती है, अगर टाइम से उसका इलाज नहीं किया गया तो। डिपेंड करता है कि कितनी सीवियरिटी है, रीज़न क्या है। अगर ब्रेन डैमेज है तो ऑफकोर्स फिर उसका इलाज पॉसिबल ही नहीं है, आप उसको थोड़ा बहुत ट्रेन कर सकते हो लेकिन वो जाएगी नहीं। अगर ब्रेन डिसऑर्डर नहीं है, सिर्फ थोड़ा सेंसरी ऑर्गन्स में जो है प्रॉब्लम है, तो ट्रेन करके दूर किया जा सकता है। तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग बच्चे की जो है नॉर्मल होती है और फिर भी वो नहीं सीख पा रहा है, तब हम कहेंगे कि वो लर्निंग डिसेबिलिटी है। मेंटल रिटार्डेशन की वजह से अगर वो बच्चा जो है लिखना नहीं सीख रहा, पढ़ना नहीं सीख रहा, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं कहेंगे हम, वो तो उसकी मेंटल एबिलिटी की वजह से नहीं कर पा रहा है। तो ये भी ध्यान रखना होगा हमें। फिर शुरुआत में जब लर्निंग डिसेबिलिटी होती है तो बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है बिहेवियर में प्रॉब्लम आती रहती है, क्योंकि बच्चे को फ्रस्ट्रेशन होता है, वो जो सब सीख रहे हैं वो सीख नहीं पा रहा है, जो सब समझ रहे हैं वो समझ नहीं पा रहा है, जो वो करना चाह रहा है कर नहीं पा रहा है, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ने से एग्रेशन बढ़ता है। बॉयज़ में नॉर्मली गर्ल से ज़्यादा जो है लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है, और ये माइल्ड, मॉडरेट से लेकर सीवियर तक कुछ भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है कि वो जो है दिखाई ना दे शुरू में, लेकिन जो है बाद में हायर लेवल पे जब जाएंगे तो वो दिखाई दे। जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, वो लिख भी सकता है पढ़ भी सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स उसको समझ में नहीं आ रही है क्योंकि वो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको, तो वो रट के काम चला लेगा शुरू में, तो छोटी क्लासेस में तो काम चल जाएगा उसका, तो पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन जो हायर क्लासेस में जाएगा तो वहाँ मैथमेटिक्स रट के काम नहीं चलेगा, तो अगर समझ में नहीं आती तो नहीं आती है, तो वहाँ तो फिर वो एक्सपोज हो जाएगा। तो इसलिए कई बार वो पैसिव होती है, इनएक्टिव होती है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जो है वो समझ में आता है कि हाँ ये है प्रॉब्लम बच्चे को। और ये मैंने बताया दिया कि एक से ज़्यादा एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है,
और नॉर्मली ऐसे बच्चों में जो है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में डिले होता है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन मतलब पहला शब्द बच्चे ने किस एज में बोला, बोलना पूरी तरह से किस एज में शुरू किया, चलना कब शुरू किया, अपने आप जो है खाना पीना कब शुरू किया, ये सब डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं। तो नॉर्मली जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले चल रहे होते हैं इसमें डिले होता है, देरी होती है माइलस्टोन को अचीव करने में। तो दो तरह के बिहेवियर इसमें जो है, बिहेवियर एंड अफेक्टिव, अफेक्टिव का मतलब इमोशंस रिलेटेड, तो व्यवहार और भावनाओं से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक है, या तो हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिविटी, या हाइपो एक्टिविटी यानी ज़रूरत से कम। हाँ, लेकिन ये इम्पल्सिव जरूर होते हैं, अपने पे कंट्रोल नहीं होता है, ओवर रिएक्ट कर जाएंगे और बहुत इंटेंस तरीके से, और एकदम से वो इमोशन आएंगे, आप सरप्राइज होंगे, अरे ये कैसे हो गया, इतना से क्यों चिल्लाने लग गया, या इतना एकदम से क्यों रोने लग गया। इसकी वजह से उनकी सोशल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है, अटेंशन की इनको प्रॉब्लम होती है, लंबे समय तक अटेंशन नहीं दे पाते हैं, इनका अटेंशन बड़ी इजीली डिस्ट्रैक्ट यानी भटक जाते हैं, और बहुत छोटे समय तक के लिए ही अटेंशन इनका रह पाता है। इनको जो है सुनने में या देखने में सेंसरी ऑर्गन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग निकालने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। अक्षर तो दिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए रीडिंग की प्रॉब्लम है, उसको अक्षर तो दिखाई दे रहा है लेकिन ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे वो हवा में उड़ रहे हैं, कान में आवाज़ तो आ रही, कान में सुनाई तो देता है, लेकिन वर्ड आके कान में जो है मिक्सअप हो जाते हैं सारे, तो वो अलग नहीं कर पाता है कि कौन सी साउंड का मतलब क्या है। तो ये परसेप्चुअल इम्पेयरमेंट उनका होता है। फिर नॉर्मली जो है ये जो है इनके मूवमेंट्स भी जो है ऑकवर्ड और क्लमजी होते हैं, जैसे अजीब तरीके से चलेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा इनका, हैंडराइटिंग ख़राब होगी, इनकी जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी प्रॉब्लम होगी, मेटा कॉग्निशन यानी कॉग्निशन ऑफ कॉग्निशन में भी प्रॉब्लम होगी, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे, प्लानिंग नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, अरेंज नहीं कर पाएंगे, ये सब आता है। फिर स्पेसिफिक एकेडमिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो मैंने आपको बताया, लैंग्वेज से रिलेटेड हो सकती है, कैलकुलेशन से रिलेटेड होती है, राइटिंग भी हो सकती है, रीडिंग भी हो सकती है, मैथमेटिक्स भी हो सकती है। तो बाकी के जो बच्चे इनके एज ग्रुप के हैं वो उनसे पीछे चल रहे होते हैं, और जब ये फ्लुएंसी नहीं होगी इनमें जो है ना, धारा प्रवाह तरीके से बोल नहीं पाते हैं, और अक्सर जो है ये देखा जाता है कि जब जैसे ये लिखते हैं तो वर्ड्स में जो है उल्टा सीधा लिख सकते हैं, जैसे बी और डी में जो गोल वाला हिस्सा है वो डिफरेंट होता है, जो राइट साइड में जो है गोल वाला हिस्सा होता है, तो वो राइट की बजाय जो है लेफ्ट साइड में बना देंगे डी में, या इवन बी में भी। एल को जो है नीचे वाला हिस्सा जो है राइट साइड में खींचा होता है, होना चाहिए, लेकिन ये उसको जो है हो सकता है लेफ्ट साइड में बना दें। तो इस तरह के जो है, या नंबर्स को जो है 6 और 9 को उल्टा करके लिख दें, ना जो उनका जो सर्कुलर वाला हिस्सा है, गोल वाला हिस्सा है, वो उल्टा करके लिख दें। इस तरह से जो है इनमें इस तरह की चीज़ें जो है बताती हैं, इंडिकेशंस देती हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम बच्चे में है कुछ। फिर इनको जो है स्पीच और साउंड से रिलेटेड भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे किसी वर्ड पे अटक जाना, या उस वर्ड को रिपीट करते जाना, आगे नहीं बढ़ पाना, या रुक जाना उस वर्ड के आते ही, या इनको ये नहीं पता कि कब इनको बोलना है, कब चुप होना है, कब सामने वाले ने बोलना है, ये समस्या आती है। और इनके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS में, उसमें भी प्रॉब्लम देखी जाती है कई बार। तो LD की कई कॉज होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी को शॉर्ट में LD कहते हैं। तो LD के कई कॉजेस हो सकते हैं, जैसे एक तो एनवायरमेंटल हो सकता है, वातावरण से रिलेटेड, फैमिली अनस्टेबल है, गरीब परिवार है, स्कूल में या ठीक से पढ़ाया नहीं जा रहा है, उससे भी LD हो सकती है। फिर एक ब्रेन डैमेज मॉडल है, ये जो LD वाले जो स्टूडेंट्स हैं इसमें से 20% में देखा गया है कि उनका जो ब्रेन जो है डैमेज होता है, या कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है, लेकिन सब में ज़रूरी नहीं, 80% में नहीं भी होता है। तो वहाँ पे जो है हम कहते हैं कि मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन है। मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन का मतलब है कि ब्रेन में कोई डैमेज नहीं है, लेकिन ब्रेन जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसे कहेंगे मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन, वो भी हो सकता है।
ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे केमिकल्स खाने में होते हैं या फ्लेवर्स खाने में डाले जाते हैं, या न्यूरोट्रांसमीटर्स में इम्बैलेंस है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी, खासतौर से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, डेवलपमेंट या मेच्योरेशनल अनप्रिपेयर्डनेस है, वो भी जो है एक प्रॉब्लम देखी जाती है इनमें, वजह है एलडी की। अभी वो लिखने की जो उसकी एज तो आ गई है, लेकिन उसके फाइन मोटर स्किल्स इतने डेवलप हुए नहीं है, सबके हो गए इसके नहीं हुए, तो कैसे लिख पाएगा। तो ये देखा गया है आमतौर पे जो एलडी वाले बच्चे हैं उनके पेरेंट्स या उनके कोई कजिन्स जो हैं उनमें भी एलडी होता है काफ़ी संख्या में। सो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि इसमें कुछ जेनेटिक लिंक है एलडी का। और ये भी हो सकता है कि जो एलडी के रीजन्स हैं वो बच्चे के एनवायरनमेंट में भी हों और जीन्स में भी हों, वो भी पॉसिबल है। तो जो एलडी वाले बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले जो क्लास टीचर है उसको पता होना चाहिए कि एलडी वाले बच्चे में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किए। दूसरा जो है, जब हमें डाउट हो जाता है किसी बच्चे पे कि एलडी है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट भी हैं, जैसे वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ये है, वुडकॉक जॉनसन साइको एजुकेशनल बैटरी। बैटरी का मतलब कहीं पे भी जब बैटरी आता है तो मतलब एक इसमें एक से ज़्यादा टेस्ट होगा, सिर्फ एक टेस्ट नहीं होगा, एक से ज़्यादा होंगे, बहुत सारे टेस्ट का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको बैटरी कहते हैं। फिर तीसरा है ब्रिगैंस डायग्नोस्टिक इन्वेंट्री और बेसिक स्किल, ये भी कर सकते हैं। फिर जो है कुछ रेमेडियल प्रोग्राम्स जो है होते हैं, क्या किया जाए, अब बच्चा ने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ एलडी है तो कैसे करें। सबसे पहला है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, इसमें जो है बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो है उसको क्या बेस्ट किया जा सकता है, उसके लिए कैसे स्ट्रक्चर किया जा सकता है, वो हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर करके और जो भी हमको उसको मदद देनी चाहिए वो दे के उसको डायरेक्टली क्लासरूम में उसको पढ़ाया जाए, ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हो गया। दूसरा है कॉग्निटिव इंस्ट्रक्शन, इसमें जो है हम बच्चे को बताते हैं कि भाई कैसे अटेंशन देना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे याद करना है, कैसे इंफॉर्मेशन को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ये सब जो हम बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं ये दिस कम्स अंडर कॉग्निटिव इंस्ट्रक्शन। तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और कॉग्निटिव इंस्ट्रक्शन साथ साथ चलते हैं, अलग अलग नहीं। तीसरा है मल्टी सेंसरी स्ट्रैटेजी, इसमें क्या है जो हमारे जितने ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन्स यूज होते हैं पढ़ने में उतना जो है रिटेंशन यानी याद रहना बेटर होता है, उतना ज़्यादा हमको तेज़ी से समझ में आता है। जैसे खाली सुन के याद हो सकता है, लेकिन सुनेंगे और देखेंगे भी उसी चीज़ को, जैसे वीडियो भी देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो और तेज़ी से होगा, सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं और खुद अपने हाथ से कर भी रहे हैं, तो अब तीन सेंसरी ऑर्गन्स से इन्वॉल्व हो गए। तो मल्टी सेंसरी जो है इनपुट बच्चे को दिए जाते हैं ताकि बच्चा ज़्यादा तेज़ी से सीखे। फिर जो है उसको सिखाया, तीसरा है स्टडी स्किल्स एंड ट्रेनिंग ऑन मेटा कॉग्निटिव स्किल्स, की नोट्स कैसे बनाने हैं, टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, कैसे जो है चीज़ों को याद रखना है, ये सब स्ट्रेटेजी उसको सिखाई जाती है। फिर चौथा है सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, क्योंकि इनकी जो लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से सोशल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही होती है, इसलिए इनको ये सिखाया जाता है कि आपको सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, वो भी पार्ट ऑफ रेमेडियल प्रोग्राम है फॉर एलडी। फिर एक आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है इंक्लूजन स्ट्रेटेजी, इसमें क्या है ये माना जाता है कि अगर आप लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को अलग से ही पढ़ाओगे, अलग से ही जो है उनको सब कुछ करोगे, तो उनके मन में हीन भावना आ जाएगी, दे विल हैव लो सेल्फ एस्टीम, दे विल थिंक लो अबाउट देम सेल्फ, तो उनको सामान्य बच्चों के साथ में पढ़ाया जाए, जो उनको एड दी जाए वो दी जाए, लेकिन क्लासरूम उनका अलग ना किया जाए, तो ये इसे इंक्लूजन स्ट्रेटजी कहते हैं। फिर नेक्स्ट इज पीयर मीडिएटेड इंस्ट्रक्शन, जैसे कोई अच्छा स्टूडेंट है जिससे उसकी दोस्ती भी है तो उसको उसके साथ में जो है बिठाएं और उसको बोलें भाई इसकी हेल्प किया करो, या उसको बोलें कि भाई कोई चीज़ तुम्हें नहीं आया तो इससे पूछ लिया करो, और ये नहीं बता पाए तो टीचर तो है ही है। तो इस तरह से पीयर मीडिएटेड इंस्ट्रक्शन भी बहुत सक्सेसफुल होता है कि बच्चे को अपने साथी से पूछने में शर्म नहीं आती है, डरेगा नहीं, झिझकेगा नहीं, टीचर से हो सकता है पूछने में बार बार वो शर्म करे। फिर लास्ट इज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन,
इसमें जो है बच्चे को कंप्यूटर के जरिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब जैसे मान लो आँखों की कुछ की प्रॉब्लम हो सकता है कुछ हो, तो बड़े अक्षरों में जो है स्क्रीन उस पर वो एनालाइज करके देख सकता है, या ऑडियो जो है हेडफोन के जरिए लगा के सुन सकता है, या उसमें जो है इजीली जो है डायग्राम्स एनिमेशंस वगैरह इंटरेक्टिव भी हो सकते हैं, तो ऐसे ये किया जा सकता है। फिर जो मेंटल रिटार्डेशन भी बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है जो मैंने बताया था, तो जो DSM-4 के मुताबिक जो है अगर हम मेंटल रिटार्डेशन की बात करें तो IQ का स्कोर अगर 70 उससे कम है तो मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में आता है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है कैटेगरीज हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो ग्रीन से लिखा हुआ है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। तो उसमें IQ का क्या स्कोर आया उसके हिसाब से हम डिसाइड करते थे कि माइल्ड है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन को शॉर्ट में MR कहते हैं, तो माइल्ड MR है, मॉडरेट MR है, सीवियर है या प्रोफाउंड है, तो वो IQ स्कोर से डिसाइड होगा। तो ये MR है वो इसका कॉज फिजिकल भी हो सकता है, मतलब ब्रेन में कोई डैमेज है उससे भी हो सकता है, फैमिली की वजह से भी हो सकता है, जेनेटिक कल्चर की वजह से भी हो सकता है कि कुछ कल्चर में लोग ही ऐसे हैं वहाँ के जो है ऐसा है उनका पलने बढ़ने का तरीका ही ऐसा है कि वो बच्चे मेंटली रिटार्ड हैं, तो वो रीज़न भी अलग अलग हो सकते हैं। सो जो कल्चर और फैमिली रीजंस अगर हम कहेंगे तो उसमें ब्रेन डैमेज नहीं होना चाहिए, ब्रेन डैमेज अलग चीज़ है, फैमिली और कल्चर का रीज़न अलग है। तो जो है फैमिली और कल्चर में नॉर्मली एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता था, वातावरण से रिलेटेड, तो वातावरण में कुछ जो चीज़ें जो होनी चाहिए वो नहीं है, इसकी वजह से बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाया या डिसफंक्शनल है, मतलब डैमेज तो नहीं है लेकिन काम नहीं कर रहा है, ये होगा फैमिली और कल्चर के केस में। फिजिकल के केस में ब्रेन में कोई डैमेज होगा। तो अब जो है DSM-5 आ चुका है, DSM-5 में जो है इसको मेंटल रिटार्डेशन शब्द ही हटा दिया गया है, एंड नाउ वी कॉल इट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डेवलपमेंट डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर। और इसमें जो IQ स्कोर के बेसिस पे नहीं डिसाइड करते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या प्रोफाउंड, इसमें हम ये डिसाइड उसके सपोर्ट लेवल पे करते हैं, बच्चे को कितना सपोर्ट चाहिए अपने नॉर्मल जीवन जीने में, दैट विल डिसाइड वेदर इट्स माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। सो जो बच्चों को आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस क्या है, MR है या नहीं है, तो दो तरह के असेसमेंट किए जाते हैं, एक तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड और अडेप्टिव बिहेवियर से। IQ का टेस्ट कर लेंगे या उसका बिहेवियर कैसा है अडेप्टेशन के लिए, और कभी भी सिंगल टेस्ट के बेसिस पे हम नहीं कहेंगे कि हाँ ये MR है, मल्टीपल जो है सोर्सेस से हम इंफॉर्मेशन लेंगे, मल्टीपल टेस्ट करते हैं, तब जो है डिसाइड करते हैं कि वो MR है या नहीं है। तो उसके उसके हम ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, ऑब्जर्वेशन बाय टीचर, क्या देखा उन्होंने बच्चे में, उसके व्यवहार में, उसके पढ़ाई लिखाई की प्रोग्रेस में, उसके जो है कैसे नंबर आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में वो भी देखेंगे, बच्चे का इंटरव्यू भी करेंगे, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं IQ वगैरह के बिहेवियर के वो भी करेंगे, इन सब के कॉम्बिनेशन से डिसाइड करेंगे कि MR है या नहीं है। सो जो इंटेलिजेंस रिलेटेड टेस्ट हैं वो जो है आपकी स्क्रीन पे है, तीन जो है मेन टेस्ट हैं, स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल है, रिवाइज वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन है, कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन है, अगेन ये बैटरी है। और चेकलिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं बिहेवियर असेसमेंट के लिए, तो बहुत सारी हैं लेकिन दो मेन जो हैं जो नॉर्मली यूज़ होती हैं वो वाइनलैंड अडेप्टिव बिहेवियर स्केल है, और दूसरा है अडेप्टिव बिहेवियर स्केल पब्लिक वर्शन, इनके जरिए डिसाइड किया जाता है। अब रेमेडियल मेजर्स में करते क्या है, अगर बच्चा MR हो गया तो सबसे पहले तो अर्ली इंटरवेंशन, जितना जल्दी आइडेंटिफाई हो जाए उतना जल्दी इंटरवेंशन देना चाहिए। सो पहला जो है प्री स्कूल प्रोग्राम होता है कि बच्चे को स्कूल तो जाना ही होगा जब उसकी एज आएगी स्कूल जाने की, तो स्कूल जाने से पहले ही स्कूल के लिए उसको तैयार किया जाता है सोशलाइजेशन के रूप में, कि कैसे लोगों के साथ में व्यवहार करना है, वॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, वॉट अदर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। फिर दूसरा है जब वो स्कूल जाने लग जाए तो रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम, इसमें जो है ये जो माइल्ड और मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए होता है, इसमें जो है
बच्चे को जो भी एकेडमिक चीज़ें हैं और जो एकेडमिक फंक्शंस हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो सब जो है नॉन डिसेबल्ड जो पीयर्स हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनके साथ में, उन्हीं के साथ क्लासरूम में बैठा के किया जा रहा है। तीसरा है रिसोर्स रूम प्रोग्राम। इसमें यह है कि अब बच्चे को कुछ स्पेशल हेल्प चाहिए जो नॉर्मल क्लासरूम में नहीं हो सकती है, तो कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं MR वाले, जिनको अलग से ज़रूरत है कोई स्पेशल कोचिंग की या स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की है, तो उनके लिए अलग से कोई रिसोर्स रूम बना दिया, वहाँ पे उनको वो चीज़ें सिखा दी। तीसरा जो चौथा जो है प्रोग्राम इनके लिए होता है सेल्फ कंटेन्ड क्लासरूम प्रोग्राम। एक अलग से ही क्लास है, उसमें MR बच्चे ही हैं और उसमें नॉर्मली जो मॉडरेट या सीवियरली MR जो बच्चे होते हैं वही होते हैं। तो इनके ऊपर फोकस ये किया जाता है कि इनकी एज के मुताबिक जो है इनको चीज़ें सिखाई जाए और जो इनके डेवलपमेंट के अप्रोप्रिएट हो, जो इनका जितना विकास हुआ है उसके अनुसार हो, इनकी एज के मुताबिक हो। और फुल इंक्लूजन प्रोग्राम जो है, जो मैंने आपको बताया था, इंक्लूजन प्रोग्राम में नॉर्मल बच्चों के साथ में पढ़ाते हैं, अलग से क्लास नहीं रहते हैं, उसमें जो है बच्चे को नॉर्मल बच्चों के साथ में पढ़ाया जाता है और इसमें जो है जो उसको जो भी उसको एड चाहिए वो वहीं क्लासरूम में दे दी जाती है, उसी क्लासरूम में। सो ये बच्चे का MR कितना है, कितना सीवियर है, क्या एज है, क्या उसका डेवलपमेंटल स्टेज है, कई चीज़ों पे डिपेंड करेगा, उस पे डिसीजन लिया जाता है। फिर इफेक्टिव स्ट्रेटजीज कुछ हम बात करते हैं। जो सेम प्रोग्राम जो नॉर्मल बच्चों के लिए है वो MR बच्चों के लिए भी यूज़ किया सकता है, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है वो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और वो उनको एफर्ट्स भी ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो उनका फोकस होना चाहिए जो बच्चों को सिखा रहे हैं, जो फंक्शनल टास्क के ऊपर। अब जैसे किसी बच्चे को तो हो सकता है हमें साइन लैंग्वेज सिखानी हो, तो फोकस हमारा उसके साइन लैंग्वेज के ऊपर होना चाहिए। किसी बच्चे को हमें न्यूज़पेपर क्लिपिंग पढ़ना सिखाना है तो उसको वो होना चाहिए। तो वो उनको हम क्या करवाना चाह रहे हैं उस पे करिकुलम बेस होगा उनका। और टीचर को जो है नॉलेज होनी चाहिए हर बच्चे के बारे में, जो MR बच्चा है, कि उसको क्या एबिलिटी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या उसके लिए बेस्ट है, उसकी जो ज़रूरतों को कैसे पूरा किया सकता है, ये टीचर को पता होना चाहिए, तभी वो हेल्प कर पाएगा। और टीचर को जो जो अपना जो भी पढ़ाएगा वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाएगा, पढ़ाना चाहिए, और डिस्ट्रैक्शंस जो इधर उधर की जो चीज़ें बच्चे ना सुनाई दे, आवाज़ें ना आए, दिखाई ना दे, क्योंकि MR बच्चे बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इधर ध्यान उनका तुरंत भटक जाता है, तो डिस्ट्रैक्शंस हटाने चाहिए और एक स्ट्रक्चर तरीके से उनको लर्निंग करानी चाहिए। मेटीरियल एकदम क्लियरली प्रेजेंट किया जाए, सीक्वेंस में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एकदम क्लियर तरीके से, और हमेशा पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट देना है, मतलब शाबाश, वेरी गुड, वेल ट्राइड, ऐसे बोलना है, कभी भी उनको डांटना या इंसल्ट नहीं करना है। अगर वो गलत आंसर भी देते हैं तो भी उनको जो है एनकरेज करना है, हाँ और कोशिश करो, वेरी गुड, यू ट्राइड वेल, और कोशिश करो। ये इफेक्टिव स्ट्रेटेजिस्ट टीचिंग इनके लिए। फिर जो है एक हमने जो पहले बात की थी बिहेवियरल में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो ADHD कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है बहुत ध्यान नहीं दे पाता, केयरलेस मिस्टेक्स करता है, अटेंशन नहीं चीज़ों पे दे पाता है, फिर सामने वाला क्या कह रहा है उस पर उसको सुनने में ही बड़ी दिक्कत आती है, उसका तो ध्यान क्योंकि इधर उधर भटक रहा होता है, कुछ बता दिया जाएगा तो उसको फॉलो थ्रू नहीं कर पाएगा, होमवर्क करके ही नहीं लाएगा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा, बड़ी मुश्किल होगी उसको ऑर्गेनाइज करने में, जिस काम में जो है बहुत मेहनत लगती है वो काम ही अवॉइड करेगा, या उस काम को करने में कुछ जो सामान लगता है वो सामान ही गुम कर देगा, ऐसा भी कर सकता है। थोड़ा सा भी कोई बाहर आवाज़ होगी या कोई डिस्ट्रैक्शन होगा उसका ध्यान भटक जाएगा, जो रोज़ करने वाले काम है उनको भी भूल जाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी शो करेगा, रेस्टलेस होगा, एजिटेटेड होगा, और इधर से उधर जो अपनी सीट पे ही जो है इधर से उधर हिल रहा होगा, हाथ कभी चटका रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, या स्कूल में क्लास चल रही है वो अपनी सीट छोड़ के इधर उधर भागेगा, इस टाइप के वो काम करेगा, या कभी किसी सिचुएशन में शांत बैठने की जरूरत है वो भाग के कभी सीढ़ी चढ़ जाएगा, कहीं से फिसल के आएगा, इस टाइप की करेगा, ऐसे काम नहीं करेगा जिसमें शांत बैठने की जरूरत है, जैसे चेस खेलना है
ये चीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा बोलेगा, इनसे ना भी पूछा जाए तो भी आंसर करने लग जाएंगे, किसी और बच्चे से क्वेश्चन पूछा ये आंसर कर देंगे, या कोई दो लोग बातें कर रहे हैं बीच में एकदम से घुस के अपना बोलने लग जाएंगे, या कोई और कोई गेम खेल रहा है उसमें बीच में घुस के अपना जो है खेलने लग जाएंगे, इस टाइप की इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अब ADHD के बच्चों को पहचाना कैसे आता है, एक तो ये सिम्टम्स मैंने बताया ये देख के, लेकिन केवल सिम्टम्स से नहीं होता है, और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले उनको जो है रेटिंग स्केल्स एडमिनिस्टर किया था, जो अभी हमने पीछे मैंने स्लाइड्स में बताए थे रेटिंग स्केल, जिसमें वाइनलैंड वाला था, रेटिंग स्केल्स एडमिनिस्टर किए जाते हैं। फिर उसके बाद में जो है फैमिली और बच्चे का ओरिएंटेशन किया जाता है कि भाई बच्चे का इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है कि इसको ADHD है या नहीं है। फिर बच्चे को इंटरव्यू किया जाता है, उससे बात की जाती है, फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो दिए जाते हैं IQ से रिलेटेड, अचीवमेंट से रिलेटेड, फिर उसको ऑब्जर्वेशन रखा जाता है घर में, स्कूल में, कम्युनिटी में, पेरेंट्स के जरिए, टीचर्स के जरिए, पीयर्स के जरिए, नेबर्स के जरिए, फिर पेरेंट्स का भी इंटरव्यू किया जाता है, मेडिकल इवेल्यूशन भी बच्चे का किया जाता है, फिर सारे डाटा को इकट्ठा किया जाता है और सारे डाटा के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है कि ADHD है या नहीं है। है तो फिर रिकमेंडेशन क्या क्या करना चाहिए कि इस बच्चे को कौन सा प्रोग्राम, कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए, और मेडिसिन देने की ज़रूरत है या नहीं है ये तो फिजिशियन डिसाइड करेगा, फिजिशियन यानी डॉक्टर। और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग तब ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब बच्चे की फैमिली भी इन्वॉल्व हो, खाली बच्चे की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से उतना प्रभाव नहीं होगा जितना फैमिली के भी इन्वॉल्व होने से होगा, ताकि वो घर में भी जो है वो चीज़ें कर सकें जो बच्चे के लिए अच्छी हैं, और जो वातावरण एनवायरनमेंट है उसको ऐसा बनाया जाए कि बच्चे की जो सक्सेस है उसके चांसेस जो है एनहेंस हो, बढ़े। और इसके लिए जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनाई जाती है, मतलब साइकोलॉजिस्ट भी होगा, साइकाइट्रिस्ट भी होगा, टीचर भी होंगे, पेरेंट भी होंगे, उसके पीयर्स को भी इन्वॉल्व किया सकता है ना, बहुत सारे लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं, तब जो है इसमें ज़्यादा इफेक्टिवनेस आती है। फिर कुछ बच्चे जो हैं ऑर्थोपेडिकली भी हैंडीकैप्ड हो सकते हैं, जैसे एक प्रॉब्लम होती है उसको सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं, सेरिब्रल का मतलब ब्रेन होता है, पाल्सी मतलब लैक ऑफ मसल कंट्रोल। तो इसमें जो है ब्रेन में कुछ ऐसा होता है जो ब्रेन के वो एरियाज है जो मोटर कंट्रोल वाले होते हैं, जो मूवमेंट कंट्रोल करते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई होती है जिसकी वजह से मसल कंट्रोल नहीं होता है। जैसे यूजुअली जब बच्चे की डिलीवरी हो रही है, अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई, बच्चे को ऑक्सीजन कम मिला पैदा होते समय किसी भी रीजन से, तो ये डैमेज ब्रेन में हो सकता है जिसकी वजह से ज़िंदगी भर के लिए बच्चा सेरिब्रल पाल्सी से इफेक्टिव हो सकता है। तो ये इन्फेक्शियस नहीं है, इट इज़ नॉट इन्फेक्शियस, की छुआछूत की बीमारी नहीं कि अगर किसी को हो गया तो उससे किसी और को हो सकता है, ना ही ये कि ये और जीवन भर ख़राब होती जाएगी कि अब पैदा हुआ तो इतनी है आगे और ख़राब होती जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, ना इन्फेक्शियस है ना प्रोग्रेसिवली ख़राब होती है। तो ये तीन तरह से, तीन टाइप की मेन होती है, सेरेब्रल पाल्सी, स्पास्टिक, एथेट्रॉइड और एटैक्सिक। तो स्पास्टिक में क्या है, ये हाइपरटोनिक फॉर्म है, मतलब सबसे सीवियर फॉर्म ये है। इसमें क्या है, बच्चे के जो मूवमेंट्स हैं वो बड़े स्टिफ होंगे, स्टिफ होंगे मतलब जैसे बहुत हाथ हाथ या पैर अकड़ सा गया है ऐसा महसूस होगा, और कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे मूवमेंट उसके, चलने फिरने, उठने बैठने ये जो है कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे। फिर एथेट्रॉइड जो है वो लो टोन फॉर्म है, इसमें जो है पर्पसलेस मूवमेंट हो रहा होगा, बिना किसी रीजन के हाथ या पैर या कोई भी बॉडी का पोर्शन जो है वो हिल रहा होगा, चल रहा होगा, और वो इन्वॉलेंट्री होगा, मतलब बच्चा चाहे तो भी कंट्रोल नहीं कर सकता है उसको। और जब पर्पसफुल कोई मूवमेंट करेगा, जो कोई चीज़ जैसे उठानी है, तो उसका जो मोशन है वो कॉन्ट्रॉटेड हो गया, मतलब भ्रंश होंगे, जैसे कि ग्लास उठाना है तो सीधे हाथ नहीं जाएगा, हाथ कांपता हुआ भी जाएगा, लेफ्ट राइट होता हुआ भी, फिर वहाँ तब तो वहाँ तक जाएगा। तीसरा होता है एटैक्सिक, इसमें जो है बैलेंस की मेनली प्रॉब्लम होती है, डेप्थ परसेप्शन की प्रॉब्लम होती है, डेप्थ परसेप्शन की प्रॉब्लम से ही बैलेंस में प्रॉब्लम आती है, बच्चे को जो है
समझ में नहीं आ रहा होता कि कितनी गहराई है, थ्री डायमेंशनल चीज़ें देखने में दिक्कत आती है और बैलेंस की भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मसल कंट्रोल नहीं है। उसकी फाइन और जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है दोनों में ही प्रॉब्लम होती है, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, मिक्स टाइप सिम्टम्स भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हियरिंग और विजुअली इम्पेयर्ड, इसमें जो है मतलब जिनको सुनाई नहीं देता है या आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो जिनको सुनाई नहीं देता उनके लिए इंटरप्रेटर यूज़ करना पड़ता है, हियरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं उनके लिए। तो जो इंटरप्रेटर के साथ में पहले डिस्कस करना चाहिए टीचर को क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, क्या उसमें लेसन में है, ताकि इंटरप्रेटर जो है सही से क्लास में इंटरप्रेट कर पाए। और टीचर का मुंह जो है बच्चे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है लिप मूवमेंट को भी पढ़ते हैं। अगर बच्चे की तरफ टीचर का मुंह होगा तो टीचर के लिप्स और जो इंटरप्रेटर साइन लैंग्वेज वाला है उसके हाथ, दोनों चीज़ें बच्चा एक साथ देख के इजीली समझ पाएगा। और जो वीडियोस बच्चे को दिखाए जाए उसमें सब टाइटल्स नीचे जो है जो भी भाषा बच्चा समझता है उसमें होने चाहिए। और जो इंटरप्रेटर है जो साइन लैंग्वेज यूज़ कर रहा है उसके कपड़े जो है स्किन कलर जैसे नहीं होने चाहिए, नहीं तो जो है बच्चे को हाथ के मूवमेंट समझने में दिक्कत आएगी और वो लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा। फिर जो स्कूल में जो कई तरह के जो सिस्टम्स होते हैं जैसे फायर अलार्म सिस्टम है, तो ये इसमें साउंड भी होना चाहिए और विजुअल लाइट वाला भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा सुनाई नहीं देता है तो उसको अलार्म तो सुनाई नहीं देगा, आग लग गई बेचारा फंस जाएगा। या अगर जो है केवल लाइट जल रही है तो जो है आप जो है जिस जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसको तो लाइट दिखाई नहीं देगी तो उसके लिए प्रॉब्लम है। तो इसलिए लाइट और साउंड या इंटरकॉम जैसे भी कह लें आप, वो दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए ताकि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो। जो हियरिंग इम्पेयरमेंट में अगर जो बाहर से कोई नॉइज़ आ रही है तो बच्चे को बहुत इफेक्ट करती है, तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि नॉइज़ बिल्कुल ना हो। और स्टूडेंट्स को जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट में क्लास में फ्रीली मूव करने की इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से स्पीच रीड कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना लिप मूवमेंट जो है रीड करते हैं। तो अगर कोई दूसरा बच्चा जो है बोलेगा तो वो उसके लिप मूवमेंट से रीड करके समझ सकते हैं, तो अगर आप उनको हिलने नहीं दोगे तो फिर वो जाके समझेगा कैसे, या टीचर के पास भी आके वो जो है लिप मूवमेंट को देख सकता है अगर दूर से उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो वो भी उसको। और क्लासरूम में लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, लाइट जो है टीचर के चेहरे की तरफ होनी चाहिए, पीछे से नहीं। अगर पीछे से होगी तो चेहरे पर डार्कनेस हो जाएगी, लिप मूवमेंट नहीं दिखाई देगा। फेस पे लाइट होगी तो बच्चे को लिप मूवमेंट भी अच्छे से दिखाई देगा, और इंटरप्रेटर के ऊपर भी अगर लाइट अच्छे से होगी तो हैंड मूवमेंट उसके अच्छे दिखाई देंगे, बच्चा अच्छे से समझेगा। और कभी भी बच्चे को जब क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं तो हमेशा बच्चे की तरह जब फेस हो तब बोलना चाहिए, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं और बोल रहे हैं दोनों चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा लिप मूवमेंट नहीं देख पाएगा जब ब्लैक बोर्ड की तरफ फेस है तो। और जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए ब्रेल में बुक्स होनी चाहिए, ब्रेल लिपि होती है, तो ब्रेल में जो है बुक्स होनी चाहिए, प्रिंटर्स भी आते हैं ब्रेल के तो वो भी होने चाहिए, और जो टीचर है उसको भी ब्रेल की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए ताकि बच्चे की प्रॉब्लम को समझ सके और पढ़ा सके। तो पांच तरह के जो है बेसिक ऑप्शंस होते हैं बच्चों के इस टाइप के जो विजुअली या हियरिंग इम्पेयर्ड है। एक तो फुल टाइम प्लेसमेंट है रेगुलर क्लास, नॉर्मल क्लास है उसमें पूरा वहीं पर पढ़ाई की जाए, जो इंक्लूजन वाला जो मैंने बताया था। दूसरा ये पार्ट टाइम प्लेसमेंट इन रेगुलर क्लास एंड पार्ट टाइम इन स्पेशल एजुकेशन क्लास, थोड़ा सा उनको रेगुलर क्लास में पढ़ाया जाए और कुछ जो है स्पेशल क्लासरूम में। तीसरा है उनको टोटली स्पेशल क्लासरूम में पढ़ाया जाए, स्कूल नॉर्मल बच्चों का है लेकिन क्लासरूम उनके लिए अलग से है। चौथा है सेपरेट डे स्कूल प्रोग्राम, वो स्कूल ही जो है अलग से है जो इस टाइप के बच्चे हैं। और लास्टली सेपरेट रेजिडेंशियल स्कूल प्लेसमेंट, इसमें ये कि बच्चा रहेगा भी वहीं और वहीं रह के ही पढ़ेगा। तो पांच ऑप्शन है, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप का है और उसकी क्या सीवियरिटी है, क्या प्रॉब्लम है, उससे डिसाइड किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है जो गिफ्टेड बच्चे, जो ग्रुप बी वाले मैंने बताया था,
ये कई तरह के इनमें जो है बातें होती है। हाई IQ हो सकता है, अच्छी या बहुत हाई स्कोर्स आते हैं इनके क्लास में नंबर। इनका जो है कोई स्पेसिफिक एप्टीट्यूड हो सकता है एकेडमी, किसी एक सब्जेक्ट में, जरूरी नहीं कि सभी सब्जेक्ट में आए, हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हो, जैसे मैथमेटिक्स में है या ड्राइंग में है या म्यूज़िक में है। और इनकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिव थिंकिंग भी बहुत हाई है, या लीडरशिप भी इनकी अच्छी हो सकती है, या विजुअल या परफॉर्मिंग आर्ट जैसे म्यूजिक, ड्रामा, डांस, आर्ट, इस टाइप के जो रिलेटेड डिसिप्लिन, इसमें भी अच्छे हो सकते हैं, या साइकोमोटर एबिलिटी एक्स्ट्राऑर्डनरी हो सकती है जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह में। तो इस तरह के जो एक्स्ट्राऑर्डनरी गिफ्टेड टैलेंटेड बच्चे होते हैं, इनके लिए तीन ऑप्शंस होते हैं। एक तो अर्ली एडमिशन, जैसे मान लो हर बच्चे को स्कूल में क्लास 1 में 5 साल की एज में आता है, तो इनको आप 3 साल की एज में डाल दो, तो ये अर्ली एडमिशन हो गया। दूसरा है एक्सिलरेशन। अब एक्सिलरेशन में क्या है कि जैसे नॉर्मल बच्चे तो 1 साल में 1 क्लास पास करते हैं, इनको जो है आप ये भी कर सकते हैं, जैसे अभी फर्स्ट में डाला 3 साल की एज में, फिर जो है नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि आप उसको डायरेक्ट 7th का एग्ज़ाम दिलवा दो, फिर जब वो 7th का एग्ज़ाम पास कर ले 2 साल बाद हो सकता है डायरेक्ट जो है आप 12th का एग्ज़ाम दिलवा दो। ऐसे कई बच्चे हैं, आप लोगों ने शायद देखे भी हों, पढ़े भी हों, न्यूज़ में आते हैं, वो 15 15 16 16 साल की एज में उन्होंने PhD कर लिया होता है, तो वो एक्सेलरेशन के जरिए हुआ होता है। और तीसरा जो है ऑप्शन होता है एनरिचमेंट। एनरिचमेंट में ये कि बच्चे को नॉर्मल क्लास में ही पढ़ाया जा रहा है जो सबको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसको अलग से जो है उस सब्जेक्ट्स में जो भी उसके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है जिसमें वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, डेप्थ दी जाए, डिटेल्स दिए जाए, चैलेंजिंग दिया जाए, अलग अलग जो है मेथड हो सकते हैं। लेकिन हाँ, स्पेसिफिक आउटकम होना चाहिए कि भाई हम ये जो उससे करवा रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए कि क्यों करवा रहे हैं और आउटकम हम क्या चाहते हैं। सिर्फ डिफिकल्टी बढ़ाने से बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो हमको स्पेसिफिक आउटकम पता होना चाहिए और वही बच्चे से करवाना चाहिए। अब इन सब चीज़ों में जो है टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर के क्या क्या रोल होते हैं वो हम बात करते हैं। सबसे पहला जो टीचर जो है बच्चों को रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड करे, जैसे बुक्स है, कंप्यूटर्स है, और बच्चे को अगर किसी विशेष सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो एक्सप्रेस करने दें जो कि क्लास में पढ़ाया जा रहा है, और उसको जो है एक्स्ट्रा रिसर्च करने की अगर उसने की है बच्चे ने, तो वो दिखाए, उसको परमिट किया जाएगा क्लास में सबको दिखाए, तो वो एनकरेज होगा। और डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब वो अलग तरीके से अगर सोचता है तो उसको उत्साहित किया जाए, मोटिवेट किया जाए कि हाँ वेरी गुड, ये नहीं कि तुम अलग तरीके से क्यों सोच रहे हो, जैसे सब कर रहे हैं ऐसे करो, नहीं, एनकरेज करना। फिर जिस सब्जेक्ट में बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है कोई, उस सब्जेक्ट के जो पे रिलेटेड कोई गेस्ट स्पीकर बुलाया जाए जो बहुत नॉलेजेबल हो, उससे भी बच्चे को काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर हमेशा जो उसके नए आइडियाज़ को प्रेज करो, एनकरेज करो, उसको जो हायर क्लासेस में जाने दो। मान लो जैसे बच्चा 6 क्लास में पढ़ता है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत हाई IQ है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत पढ़ता है कोई सब्जेक्ट, तो अगर वो 10th क्लास में बैठ के पढ़ना चाह रहा है वो सब्जेक्ट, तो पढ़ने दिया जाए, उसको रोका ना जाए। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखा जाए कि जो उसके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसमें वीक ना जाए, कि खाली एक ही सब्जेक्ट में सीखता जा रहा है बाकी में बहुत ख़राब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके लिए लाइब्रेरी में जो है किताबें वगैरह अरेंज करी जाए, रीडिंग मटेरियल और भी चीज़ें जो भी है। अगर कोई उसका आर्टिस्टिक टैलेंट है तो उसमें उसको ट्रेनिंग दी जाए स्पेशल, जैसे म्यूज़िक है, आर्ट्स है, पेंटिंग है। और ये ध्यान रहना चाहिए कि जो एनरिचमेंट में हम बच्चे का जो कोर सब्जेक्ट्स है उससे ध्यान नहीं भटकने दे रहे हैं, वो तो ज़रूर उसको सीखना चाहिए, नहीं तो वो पिछड़ जाएगा लाइफ में। तो इसी के साथ ही हमारा आज का ये सेशन ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी, तो हम अगले सेशन में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। सी यू सून विद मोर नॉलेज अबाउट डिफरेंट आस्पेक्ट्स इन डिफरेंट टॉपिक्स इन साइकोलॉजी। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।